हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमंत अग्रवाल, होस्ट फॉर टुडेज वेबिनार। वी कंडक्ट सच वेबिनार्स ऑन एवरी सैटरडे। वेबिनार इज कंडक्टेड थ्रू www.chshelpforum.com। लेट मी टेल यू समथिंग। टुडेज टॉपिक इज अबाउट व्हाट हैपेंस टू योर प्रॉपर्टी इन द सोसाइटी व्हेन द ओनर डाइज। मीन्स now supposing if there are two people who are in the agreement, so they are the title owners of that property. So let us say husband and wife. Now when the husband dies, so he might have fulfilled a nomination form in the society for his share. So if there are two people in the agreement, typically it is understood that half property belongs to the husband and half property belongs to the wife. So husband dies but makes a nomination, husband dies but had not made a will. So this is what is the topic for today. Now, to understand nomination in a society, in very few words, if the husband has made nomination of the property, he can make a nomination in favor of anybody. He can make it to his neighbor, his friend, any of his relatives. नीचे वो जो चाय वाला है, पान वाला है, उसके नाम पर भी नॉमिनेशन कर सकता है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वो नॉमिनी उसका लीगल हायर हो। इट कैन बी एनी वे एनीथिंग। सिमिलरली विल, विल भी आप किसी के भी नाम पे कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड के नाम से कर सकते हो, टू योर रिलेटिव्स, टू ए ट्रस्ट, टू एन एनजीओ, एनीबडी यू कैन डू। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस टू इट। आप अपने बेटे के भी नाम पे कर सकते हो और बगल वाले परिवार के बेटे के नाम पर भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर इमोशंस एंड फीलिंग्स एट दैट टाइम। सो व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ नॉमिनेशन, अबाउट नॉमिनेशन इज नॉट ए विल, इट इज नॉट ए टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट जिसे हम टिपिकली बोलते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि सोसाइटी सेज ओके, इसके नाम पे नॉमिनी है, वी विल रिप्लेस दैट पर्सन नेम विद द नेम ऑफ ए नॉमिनी एंड ही विल रिमेन एज ए नॉमिनी, एज ए केयर टेकर, एज ए ट्रस्टी टिल द लीगल हायर्स गेट व्हाट इज कॉल्ड एज अ सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेट अस से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ देर इज नो विल। इफ देर इज ए विल देन अप्रोबेट डिग्री फ्रॉम द हाई कोर्ट और फ्रॉम द सिविल कोर्ट एज मे बी एप्लीकेबल वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो वी डू नॉट नो एज टू वेन और हाउ वी विल डाई। इट माइट बी नेचुरल, इट माइट बी एक्सीडेंटल, इट माइट बी ए मेडिकल केस, जैसे आजकल कोरोना वगैरह का चक्कर चल रहा है। इट माइट बी सुसाइड, इट माइट बी मर्डर ऑल्सो। माई पर्सनल सजेशन टू पीपल इज टू मेक ए विल एवरी ईयर, इवन इफ यू आर 30 ईयर्स ऑफ एज और 20 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपके पास कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कोशिश ये करें कि हर साल एक विल बनाए, दो विटनेसेस का सिग्नेचर ले। उसे रजिस्टर नहीं करा, इट्स ऑल राइट, डज नॉट मैटर, बट दैट विल इज प्रॉपर। सो मेकिंग ए विल एवरी ईयर, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिस्प्यूट्स ऑफ फेक विल इन ए वे। यू कैन कीप द विल इन योर बैंक, इन योर लॉकर। सम बैंक्स एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। सो यू कैन इंक्वायर विथ योर स्पेसिफिक बैंक वेदर दे हैव दिस कस्टोडियन फैसिलिटी। यू कैन कीप योर विल विथ ए वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर्स और ए रिलेटिव हु शुड टिपिकली बी ए नॉन बेनिफिशियरी ऑफ द विल। आइडेंटिफाई योर बेनिफिशियरीज। वो हो सकता है आपका, आपकी पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या और भी कोई भी हो सकता है। विल किसके लिए बनाया जाता है? आपके मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स के लिए। मूवेबल का हो गया मतलब जैसे शेयर सर्टिफिकेट्स हो गए, या आपकी ज्वेलरी हो गई, या आपकी कार वगैरह हो गई, या घर का और कोई सामान हो गया। और इमूवेबल में आपकी जमीन हो गई, फ्लैट हो गया, और कोई गाला वगैरह है, ऑफिस हैं, वो सब इमूवेबल में आते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक ए विल इन फेवर ऑफ ए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो और एन एनजीओ ऑल्सो। सो द एग्जैक्ट नेम एंड द एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मेंशन इन द विल। आप टिपिकली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलके या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलके उसे बोल सकते हैं कि मेरे पास इनकम टैक्स में मैंने क्या क्या एसेट्स दिखाए हुए हैं, मूवेबल और इमूवेबल, उसका एक बेसिक मुझे लिस्ट दे दो।
वो हिसाब से भी आप उसके विल कर सकते हैं। अगर जीते जी आप अपनी प्रॉपर्टी अपने फैमिली वाले को देना चाहते हैं, तो देर इज अनदर वाया मीडिया ऑल्सो, वॉट दैट इज कॉल्ड एज ए कंडीशनल गिफ्ट डीड ऑल्सो। कंडीशनल गिफ्ट डीड का मतलब ये हुआ कि आपके पास मानो चार फ्लैट है, आपने चार फ्लैट अपने एक बेटे को दे दिया विद कंडीशन कि ये फ्लैट वो सेल नहीं कर पाएगा, ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, मॉर्गेज नहीं कर पाएगा, वगैरह वगैरह, और वो जिंदगी भर मेरा देख रेख करेगा, मेरे मेरे बीवी का, मेरे बाकी परिवार का देख रेख करेगा। यू कैन ऑल्सो पुट अप ए कंडीशन कि अगर वो शराबी निकल गया या जुआरी निकल गया, यू कैन पुट सम कंडीशंस इन दैट। तो अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी जीते जी सब गिफ्ट कर दिया हुआ है, तो फैमिली में डिस्प्यूट्स वगैरह होने की भी संभावना कम होती है। नाउ आई वेलकम टुडे स्पीकर हु इज गोइंग टू इम्पार्ट हिज नॉलेज टू अस ऑन दिस सब्जेक्ट। आवर स्पीकर्स नेम इज एडवोकेट संदीप जालान। ही इज ए लॉयर एंड हैज गॉट ए ह्यूज एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग हाई कोर्ट मैटर्स, सिविल कोर्ट मैटर्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल मैटर्स, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल मैटर्स। ही हैंडल्स मैटर्स इन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स ऑल्सो, सिविल सूट्स, रिट पिटिशंस, कंपनी पिटिशंस, क्रिमिनल कंप्लेंट्स ऑल्सो। ही ऑल्सो इज रेगुलरली राइटिंग फॉर ए मैगजीन कॉल फ्लेयर टॉक दैट इज पब्लिश्ड बाय ए रिप्यूटेड ऑल इंडिया रिपोर्टर, दैट इज टिपिकली वी नो इट ऑल एज AIR। ही ऑल्सो हैज हिज ब्लॉग साइट, आई विल बी पुटिंग हिज ब्लॉग साइट ऑन द चैट बॉक्स फॉर यू पीपल, आप उसे भी देख सकते हैं। ही हैज ऑल्सो डेवलप्ड एन वेबसाइट, आई एम पुटिंग दैट वेबसाइट ऑन द चैट बॉक्स फॉर एवरीबडी टू नो। इट इज ए काइंड ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल फॉर ऑल द लॉयर्स। सो नाउ आई विल इन्वाइट संदीप सर एंड आई रिक्वेस्ट हिम टू टेक ओवर एंड प्रोवाइड हिज नॉलेज टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू संदीप जी, ओवर टू यू प्लीज। Thank you, sir, Hemant ji, to give me an opportunity to speak before this forum. It is indeed a pleasure and privilege to speak before whether a webinar or a seminar. The topic today is obviously it's a very common topic which almost everyone faces in the housing societies. So the issue is what happens to my properties after I die. The first thing I would say, if I die, I would say, give me my life back, although it is not possible. So we come to the realities. So the realities are this: we are governed by Maharashtra Cooperative Societies Act and the rules and the bylaws framed under that. Earlier we had Section 30, which governed the transfer of shares of a deceased member. And now we have an amendment by which it is now regulated by Section 154B and some Section 13, I believe. It provides mainly four documents. This section is very, very important section. It contemplates four documents on the basis of which the societies are obliged to transfer the share in the name of the person who is entitled to. The first, it says testamentary document. The testamentary document per se is not defined anywhere, but then it has to be presumed a will. The second, it talks about succession certificate. The succession certificate, the expression used, succession certificate, is in general sense. In the legal sense, succession certificate has different connotations. It means the person who succeeds to the property and is certified by a court of law. In that sense, the word expression used is succession certificate. So the first document is will, or if there is a succession certificate furnished by the person, or if a legal heir certificate is furnished, or if any family arrangement prior to the death of the deceased member
was there, if that is furnished to the society, or lastly, a nomination. A proper valid nomination is there. Although nomination, it is well settled, no, everyone knows nowadays that it doesn't confer any right title or interest. It is only a temporary arrangement, provisional arrangement, till the property is formally transferred to the legal heirs or to the persons who are legally entitled under the will. So if any of these four documents, a will I'm talking about, even if it is not probated, along with the will, the beneficiary makes an application with no objection from the rest of the heirs, the society should transfer the name in the name of the beneficiary on the basis of will, because the law says, it's not that I am saying, at least section 154B13 is categorical in saying testamentary document, and testamentary document is will only. So on the basis of will, it doesn't say that section doesn't say probate or anything else. Testamentary document. So testamentary document is will. As long as it is not contested by rest of the legal heirs. So if the beneficiary or the person who is entitled to can present any of these four documents, then the society is obliged to transfer in the name of the person. Now, I have seen personally also that societies invariably ask for succession certificates, or to say if there is a will, the probate, or the letters of administration, with will or without will. Letters of administrations have two sides. If there is a will and the executors are not appointed in the will, then you have to obtain letters of administration with will, because executor is not appointed. So a kind of executor is appointed in the letters of administration with will. And if there is no will, then letters of administration without will. So societies invariably do ask the beneficiary to obtain these, although there is no contest about the will or other documents are there. So I would contemplate a situation in which circumstances the society can ask for succession certificate is basically only for debts and securities. When there are no immovable properties, the legal expression, the legal meaning of succession certificate is, if there are estate constitute only the movable property, movable, and that too only debts and securities, nothing else. If there are other estate comprising banks, and banks of course constitute debts only, jewelries and other investments in shares, PPF, PF, insurance policies, then one must obtain letters of administration without will. Succession certificate won't help, because any one of the things has to be applied for, because it attracts court fees, and that to the maximum of rupees 75,000, apart from lawyer's fees, that apart. So you need not apply for both the things, letters of administration or succession certificate. Insofar as societies are concerned, obviously there is a flat, so one has to apply for letters of administration with will or without will, as the case may be. So if we have a situation where there are two claimants who have rival contentions, who both claim, and societies, the managing committee, unable to decide as to who is the rightful legal heir or the beneficiary, or any of the heir contest the will, then of course the society has to call for succession, these letters of administration or the will, probate of the will. Or otherwise, the society should not ask for any of these succession. We can say a letters of administration, probate of the will. Now we come to a situation where even a joint application can be made.
There are provisions in the Maharashtra Cooperative Societies rules where suppose there are three beneficiaries or four beneficiaries. So there are four legal heirs who are entitled to. So all the four can jointly make an application and they can become the member. One of the first member would have a right, all the rights, and other would be the associate members. So there are provisions which clearly provides that the society has no business to ask for succession certificates or what we say the probate or the letters of administration. Now, whenever such the beneficiary under the legal heir of the deceased member or the beneficiary under the will claims that he is entitled to, then he has to make an application for membership. He makes an application and the society, the managing committee, he has to make an application to the secretary of the society, and then the secretary has to place before the managing committee or before the general body meeting. And in that meeting, they have to take a decision about the acceptance or the rejection of the application. And the most important part is that they can't refuse unless that application is in breach of any of the provisions of these MCS Act rules or bylaws. Or they have to record reasons why they are not accepting. That's very critical. They have to record reasons that why they are not accepting the application for admission of the member. And this has to be done within 3 months from the date of making application. And if the society fails to communicate within 3 months from the date of making application by the beneficiary or the entitled person, then the person is said to be deemed member of the society. But then it doesn't end the matter, because deeming doesn't help, merely deeming doesn't help. So the person has to make an application before the concerned of authority, that is deputy registrar, that I am a deemed member and I must be declared a deemed member and society be directed to make me a member of the society. So that is made in under section 23, subsection 2 of the Maharashtra Cooperative Societies Act. And then, of course, the hearing is called for, and then the registrar decides whether he is entitled to become the member of the society or not. This is broadly the crux of the entire matter. At the cost of repetition, I would say, if you have a proper will, uncontested will, or probate or a letters of administration, a family deed, or a legal heir certificate, heirship certificate. In fact, legal heirship certificate costs the same. Legal heirship certificate, it is written, but it has no meaning because it attracts the same court fees. So if the society asks for any of these documents, so there is no point in going. In my view, the legal heirship certificate is meaningless in this expression. So as long as if there is a will or a proper probate or letters of administration or a family arrangement deed, the societies are obliged to transfer. Now, coming to will, making of will, Himanji has given a brief backdrop of the will. I mean, that's the main crux of the thing. Will, I would say, is one of the easiest things to make. What I've read in law is will made by pencil is also valid will. If I simply write, I give my property to this, and if it is attested by two witnesses, it is a valid will. So making of will is one of the easiest thing, and at the same time, one of the most complex thing, because there are so many properties are involved, many times heirs are involved, different avenues are available to dispose of the properties. So therefore, it is simple as well as a complex thing to make a will. There are different dimensions to will, in the sense you must keep in mind some of the important things at the time of making of will. That a proper executor is appointed, that you make a proper list of all your properties which you sought to give by way of will. Then there has to be a kind of alternate person. Suppose there is a property A which you intend to give to B,
property XYZ which you intend to give to A, and then you must also provide a contingency where if A predeceases you, then he can't take that property. So therefore, you will say that in the event A predeceased me, then the property will go to B. Then there could be a situation where after executing a will, you might acquire more properties which have not been included in the will, or you may have disposed of the properties which you have included in the will. So there you may not execute a fresh will. I mean, this can be taken care of by a residual legatee, although it's a very wide term, residual legatee. Residual legatee means everything for which is not provided in the will go to a person, XYZ person, to whom you nominate, that he will go to him. If you specifically intends that a new property is acquired and it should go to a person, a particular person, then of course you have to withdraw that will and preferably execute a fresh will. Then in coming to registration is not mandatory, but it is it certainly gives more legitimacy to a will, because the person who executes the will is required to go before the registering authority. So sir, registration is not compulsory. Registration karna will ka zaruri nahi hai, but registration se will ko legitimacy definitely milti hai, because जो विल को एग्जीक्यूट करता है उसको रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज के पास जाना होता है. देयरफॉर द पर्सन हु सॉट टू कंटेस्ट द विल, जिसको विल को अगर कंटेस्ट करना है, तो वो कम से कम ये अलेज तो नहीं कर सकता है कि ये विल इन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किए. सी, विल को चैलेंज करने के ब्रॉडली दो ग्राउंड होते हैं. एक तो कि ये विल, जैसे इन्होंने विल जिसने भी की है इन्होंने बनाई नहीं है. दूसरा ग्राउंड ये होता है कि भाई इनको इन्फ्लुएंस किया गया है, और अंडर द कोअर्शन और द इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ही हैज मेड दिस विल. देयर कुड बी मेनी अदर थिंग्स, बट ब्रॉडली दीज आर द टू थिंग्स. सो एटलीस्ट बाय रजिस्ट्रेशन करने से आप ये चीज से तो एक ग्राउंड से तो निकल जाते हैं कि भाई ये विल फॉर्ज नहीं है. सो रजिस्ट्रेशन कराएं तो अच्छा है, कराना बिल्कुल जरूरी नहीं है. दूसरा, रजिस्ट्रेशन एक और इंपॉर्टेंट चीज ये, कई बार क्या होता है कि ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन द विल इज वेरी वेरी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, इट गोज विदाउट सेइंग, ये तो कहने की कोई जरूरी बात भी नहीं है. तो लोग डेथ होने के बाद में विल को रजिस्टर कराते हैं, ये भी पॉसिबल है. द विल इज डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज टू मेक इट सिक्योर कि हाँ भाई ये विल, क्योंकि अगर जिसको विल में कुछ नहीं मिला, एयर है वो विल के, अगर उसके हाथ में लगी तो पाड़ के फेंक देगा वो, तो आपका मतलब इट बिकम्स रिस्की. देयरफॉर टू प्रोटेक्ट सिक्योर द विल, इट कैन बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्टरिंग अथॉरिटीज. सो देयरफॉर विल बनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. विल से आपकी क्लैरिटी रहती है कि मुझे किसको क्या देना है. जहां तक विल में, जैसा हेमंत जी ने कहा, खाली एक मैं छोटा सा उसको कैवेट के साथ में कहना चाहता हूँ कि इन सो फार एज हिंदूज आर कंसर्न, आप विल में अपनी जो प्रॉपर्टी है खुद की 100% चाहिए किसी को भी दे सकते हैं, दान में दे सकते हैं, आपकी कोई बंदिश नहीं है. मगर जहां तक मेरी लिमिटेड जानकारी दूसरे रिलीजन्स में, बिकॉज इट्स अ पर्सनल लॉ, इट इज रेगुलेटेड बाय पर्सनल लॉ इन सो फार एज दिस विल्स आर कंसर्न. सो मुस्लिम्स में आप सिर्फ 1/3 आपकी प्रॉपर्टी विल के थ्रू दे सकते हैं, 2/3 इट हैज टू गो टू योर हेयर्स. मुस्लिम्स में भी शियाज और सुन्नीस दो अलग अलग कुछ सेक्ट्स है मैंने सुना है, उसमें ये मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि शियाज को लगता है कि सुन्नी को लगता है, लेकिन ब्रॉडली मुझे ऐसा पता है. और कुछ लिमिटेशंस शायद पारसीज में भी है, मैंने इतना डिटेल में दूसरे रिलीजन पर्सनल लॉस की स्टडी नहीं की है, क्योंकि हम बहुत कम मैटर्स आते हैं, हिंदूज के ज्यादा मैटर्स, तो वी रेगुलरली डील विद हिंदू सक्सेशन ओनली. तो विल बनाना वाकई में एक्चुअली में बहुत आसान है, अगर हम लोग प्रॉपरली समझ जाएं कि विल को किस तरह से हमारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट बना के, हमारा एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे के, और ये ए प्रॉपर्टी किसको देनी है, बी किसको देनी है, सी किसको देनी है, और सब उसके अलावा सबसे दो इंपॉर्टेंट बात, दो विटनेसेस हमें बहुत ट्रस्टवर्दी रखने होते हैं.
जो कि ये विटनेस करते हैं कि ये विल मैंने एग्जीक्यूट की है, मैंने साइन की है, उन विटनेसेस को इस बात से कोई, उसमें क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं होता है. द विटनेसेस आर ओनली कंसर्न टू सी दैट द विल हैज बीन साइंड. इसमें दो तरह से चीजें होती है विटनेसेस का जहां तक सवाल है. एक तो जो एग्जीक्यूटर होता है, नॉट एग्जीक्यूटर, द टेस्टेटर बोलते हैं उसको लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज मतलब लीगल एक्सप्रेशन में, द पर्सन हु एग्जीक्यूट्स द विल इज कॉल्ड अ टेस्टेटर. द विटनेस सेज कि आई हैव पर्सनली सीन द टेस्टेटर टू साइन इन माई प्रेजेंस एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ द टेस्टेटर शुड रिमेन एट द सेम टाइम. और दूसरा चीज ऐसा हो सकता है टेस्टेड बिकॉज व्हेन द टेस्ट विटनेसेस साइंस ही सेज दैट आई हैव सीन द टेस्टेटर साइनिंग और व्हाट ही सेज दैट बिकॉज इट माइट हैपन दैट द टेस्टेटर हैज ऑलरेडी मेड द विल एंड ही हैज साइंड द विल. उन्होंने विल बना के रेडी करके रखी है, साइन भी करके रखी और बाद में विटनेसेस को बुलाया कि भाई आप साइन कर दो. तो विटनेसेस कांट से कि मेरे सामने उन्होंने साइन की है. तो उस वक्त उनका विटनेसेस का ये कहना होता है कि भाई टेस्टेटर ने ये कहा कि मैंने ये विल बनाई है और ये मैंने साइन किया है, आप इसको विटनेस करके साइन करिए. तो विटनेसेस मस्ट बी पर्सन ऑफ मेजर एज 18 एंड अबव कॉम्पिटेंट. द पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आर अ कॉम्पिटेंट विटनेस. देर शुड बी टू विटनेस, प्रेफरेबली अ वेरी क्लोज पर्सन, ट्रस्टवर्दी पर्सन ऑफ द टेस्टेटर, जो कि उनके नजदीकी लोग होने चाहिए ताकि वो बात बाहर ना जावे. बिकॉज विल इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, ऑफकोर्स इट गोज विदाउट सेइंग, एवरीवन नोज दैट. सो विल डेफिनेटली बनाना चाहिए लोगों को अपने. और मेरा पर्सनल राय हमेशा, मेरे पास कई विल के, मेरे रिलेटिव्स के भी आते हैं और अदर्स दूसरे लोगों के भी केसेस आते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ, आई एम रियली टेलिंग यू कि विल आप खुद ही बनाइए अपना. इट्स वेरी सिंपल टू मेक. आपको मेरा असिस्टेंस चाहिए तो मैं ऑफ द वे कभी भी आप मेरे को फोन करिए, मैं आपको असिस्टेंस दूंगा. बिकॉज इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट. कोई कॉम्प्लेक्सिटी है देन इट्स फाइन, देन ऑफकोर्स आई असिस्ट. मैंने विल बनाई भी है प्रोफेशनली भी, हमारे क्लोज रिलेटिव्स की भी, लेकिन प्रेफरेबली आप अपनी विल खुद ही बनाएं तो अच्छा रहता है. बिकॉज यू फील मोर कम्फर्ट, आपको कम्फर्ट रहता है अपनी विल खुद की बनाए. बिकॉज द मोमेंट यू शेयर योर डिटेल्स, although you are constrained to share your details maybe with lawyers or but then you are little uncomfortable many a times, therefore make your own will always. This is my suggestion. So coming back to our main issue of the societies, main at the cost of repetition wapas ye kehna chahta hu ki jo naya 154B13 ka jo naya amendment provision aaya Maharashtra Cooperative Societies mein, usme चार डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं जिसके बेसिस पे सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी और द सोसाइटीज आर ओब्लाइज्ड उनको ट्रांसफर करना ही होता है. अगर प्रॉपर विल है, अनकंटेस्टेड है, साथ में एनओसी एफिडेविट वगैरह दे रहे हैं तो, और अगर सक्सेशन लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह मांगा है तो कोई इश्यू रह ही नहीं जाता है. लीगल एयर्स वगैरह सर्टिफिकेट्स आर नॉट बेसिकली मेक्स नो सेंस. So one of the thing is the will, or if there is no will, then of course the law provides that if one of the claimant goes, and if there are no other claimant, legal heirs में कोई dispute नहीं है, तो society transfer कर सकती है one of the heirs के उसमें. अगर claimants के बीच में dispute है, then of course the society has to call for this letters of administration with will or without will. फैमिली अरेंजमेंट है तो उसके बेसिस पे भी सोसाइटीज की लीगल ऑब्लिगेशन है उनको ट्रांसफर करना. और जैसे कि मैंने पहले कहा था, एक प्रोसेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने कहा, आप जब कोई बेनिफिशियरी होता है अंडर द विल और लीगल है वो एप्लीकेशन करता है, तो प्रोसेस यही होता है कि सोसाइटी सेक्रेटरी को करते हैं, वो सेक्रेटरी मैनेजिंग कमिटी मीटिंग में रखता है एप्लीकेशन को, या जनरल बॉडी अगर होने वाली होती है मीटिंग उसमें रखता है. तो उनको वो डिसाइड करना होता है और उनको रीजन देना होता है सबसे इम्पोर्टेंट, कि भाई आप ये क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या इसमें क्या वायलेशन है लॉ का. अगर वो नहीं देते हैं तो देन ऑफकोर्स 3 महीने में अगर कोई जवाब नहीं देते हैं तो, या अगर वो कोई रीजन नहीं देते हैं
यू मस्ट मेक एन एप्लीकेशन और कंप्लेन बिफोर द डेप्यूटी रजिस्ट्रार दैट की आई एम एंटाइटल्ड टू एंड सोसाइटी इज नीडलेसली आस्किंग मी टू ऑब्टेन दिस लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. मुझे लगता है ये ब्रॉडली इश्यू इतना ही है, मैं इसको और स्ट्रेच ज्यादा नहीं कर सकता हूँ. अगर क्वेश्चन आंसर अभी होंगे तो मैं क्वेरीज का आंसर देने का कोशिश करूंगा. सर, मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ आई हैव टू क्वेश्चंस कंसर्निंग टू फ्लैट्स. वन इज फोर मेंबर्स, फादर एंड मदर एंड टू सन्स. टू सन्स वर अनमैरिड. फर्स्ट मदर डाइड. फोर वन फ्लैट वाज ओन्ड बाय फोर मेंबर्स, दैट इज फादर मदर जॉइंटली विद टू सन्स हु वर अनमैरिड. Okay. So now first mother died, then father died, then son died, both the sons died. The last son died was 1.5 years ago, just before the COVID. But he died of, say, accident in the house only. So, maybe he had a fall or something and he died. And, you know, when there was a stench emanated, that time we came to know and it became a police case. So till now, the police has not come out with the, you know, the outcome, like post-mortem report and all, they have not given. So therefore, now some of his uncles and all have come. Now, since there is no immediate legal heir, his uncles and all have come. So what we have asked for, you know, at least to make a provisional members to them, they have given a lot of documents like publishing and, you know, giving all the family members and every no objection and all that they have given. But only the thing is that the police station has given us a letter, served the society a letter saying that you are not supposed to do the transfer till such time, you know, you report it to the police station because it is not concluded as yet. So what could be the documents that we can obtain? See, basically, the police should not interfere, I believe, because if a transfer is made to a nominee, correct? There was a nomination, you said, no? I can't hear you. You are in a mute. Julie, ma'am, you are. Yes, please go ahead. There is no nominee and there is no will. Okay. Did you hear me, what I said earlier? Yeah. Okay. So in this case, there is no nominee, there is no will. So only the uncles are there and aunties are there. All the four persons have died, you said? Four persons, mother, father, and two unmarried sons were the... All four have died. Okay. There is no will, no nomination. What happens? Correct. See what happens then. Right. So even otherwise, the person who claims to be the legal heir, in whatever class, because... See, in Hindu succession, there are class of, if he is a Hindu, I don't know. Christian. He's a Christian. Okay, then I need to understand the Christian law. So there are classes of heirs. So even if he is entitled to this person, the person, whoever has made a claim. Yeah. Then, of course, the society should call him, tell him to obtain the letters of administration. Okay. And once the letters of administration is obtained, the police can't interfere there. Exactly. So, okay. So secondly, is there, say, we have called for, in fact, court order also. So court order? Court order, I mean, either probate or succession. That's correct. Yeah, so that, wait, because there was no will, it no should will. Be letters of administration. Letters of administration, yes. So that is what we have asked for. Correct. And okay, so now for that we are waiting for. So you mean to say police police has got nothing to do with actually, it. Police has no jurisdiction. I mean, that is what even I heard. But then why the police is giving us a letter stating that... we should not entertain, we should not part with the keys to anybody, this and that. Because they have not concluded the postmortem till now. Is that the reason? See, I can't say. I mean, it's very hypothetical. Okay. Situation. In that second case is husband and wife were the owners, members. And they had three daughters. They are Malayalam Catholics, Christians.
Three daughters, all are married and all are settled. One was in Mumbai and rest are abroad. So out of which the mother and father died of COVID last month. And also one of the daughters who was here, who were taking care of her, she died of COVID. Now the flat is locked. Now two daughters are abroad. Right. So in that case, we have sent a letter to them, like, you know, they should, and there is no, again, no nomination, no will. Right. So in that case, you know, what are the immediate documents that we can ask for? Because class one and class two. In fact, see, as I understand, the rest of the two daughters were the only legal heirs. Yes. So. Class two, that is the third daughter's children are there, husband is there. Okay. So husband is saying that, you know, in absence of my wife, I am the immediate heir. So which we are objecting, saying no, your children no, can the come. The best thing is to call for the proper document from the court of law. Right. Okay. That's the best thing. Yes. Yeah, that's it. Whenever dispute arises, the only way out is to call for the letters of administration. Oh, here also a letter of administration. Yeah. Okay. Thank you, sir. There is a Shivani whose question is, sir, I have one client who is the only child that to a daughter, to her parents. Both her parents are not alive. Now daughter for some work needed society share certificate, but she didn't find. So she approached secretary. Secretary asked for nomination certificate done in her name or any document where she is the legal heir. What should she do? Is the secretary right? This is the question. Sorry, let me understand this first because let me rephrase this. I'll concise it. Ha, please. Parents हैं गुजर गए हैं. उनकी एक ही बेटी है. Parents जो हैं. हाँ. Parents गुजर गए हैं. हाँ. उनकी सिर्फ एक ही बेटी है. हाँ तो yes, बेटी को सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट चाहिए था लेकिन उसको शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला सो उसने सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे शेयर सर्टिफिकेट दे नहीं तो उसको शेयर सर्टिफिकेट क्यों चाहिए ओके शिवानी यू आर ऑनलाइन प्लीज प्लीज पुट अप योर क्वेश्चन इन वेरी शॉर्ट यस सर ओके गो अहेड शेयर सर्टिफिकेट आपके पास थे मैंने उनको बोला कि आपके पास भी होने चाहिए ऐसे मैंने उनको बोला जनरली बोला कि बाकी सारे क्योंकि सोसाइटी में मैं कलेक्शन के लिए जाती हूँ मेरे क्लाइंट्स है सोसाइटी में सबके पास शेयर सर्टिफिकेट है व्हाई इज शी नॉट हैविंग तो उन्होंने ढूंढा बोला नहीं है मेरे पास मैंने कहा नो प्रॉब्लम आप डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो मिल जाएगा आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो जब भी उन्होंने अप्रोच किया शी इज अनमैरिड सबसे बड़ी बात शी इज अनमैरिड शी इज स्टेइंग ऑल अलोन तो उनको ऐसे सब बोला गया कि आपका कोई ऐसे प्रूफ दीजिए कि जहां पर आप ही लीगल हेयर है जबकि वो ओनली डॉटर है सर मेरी ही क्लाइंट का था वो आई एम पूनम शिवनानी मेरी ही क्लाइंट का था वो क्वेश्चन तो ये जो उनकी डॉटर है शी इज द ओनली हेयर तो उसके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होगा ना सर वो ओनली चाइल्ड है लेकिन ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन वो पब्लिक ही सबको पता है शी इज द ओनली चाइल्ड ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सर रेशन कार्ड वगैरह हाँ रेशन कार्ड पे फादर मदर और डॉटर इन तीनों का ही नाम था यस एक डॉक्यूमेंट वो बन सकता है हाँ तो रेशन कार्ड जब सी है इफ यू सेटिस्फाई द सोसाइटी अदरवाइज सोसाइटी सेटिस्फाई नहीं होगा देन दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू कॉल फॉर दिस लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है सर सो व्हाट हैपेंस यू नो कि हमें पता है आपको पता है कि वो एक ही है दूसरे है सोसाइटी को नहीं पता है तो अगर सोसाइटी अगर कोई डिमांड कर रहा है तो उनको कंप्लाई करिए बिकॉज इट्स डिमांड इट इज नॉट अनयूजुअल ठीक है सर तो वो हो जाएगा उस पे ऑफ कोर्स हां सोसाइटी कह रही है तो दे कर देंगे ना फिर वो डेफिनेटली कर देंगे तो एज लॉन्ग एज लेट मी ऐड समथिंग जो संदीप सर ने बोला उसके में थोड़ा सा आपके आगे ऐड कर देता हूं आपका मैटर ऐसा है कि माता-पिता गुजर गए हैं अकेली बेटी है शेयर सर्टिफिकेट सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर्स है सिर्फ उसी को दे सकती है उसकी बेटी बेटा बाकी रिलेटिव्स को शेयर सर्टिफिकेट देने का अधिकार सोसाइटी को नहीं है अनलेस एंड अनटिल बेटी के में लेट मी कंप्लीट सर प्रॉपर्टी से अपने नाम पे ट्रांसफर करवा क्या कह रहे हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है हाँ, हाँ,
उनके नाम पर ढंग से प्रॉपर्टी ट्रांसफर खाते हुई हैं। है, किस ढंग से ट्रांसफर हुई है? उन्होंने अप्रोच किया था कैंटोनमेंट ऑफिस को, उन्होंने नोटिस डाला था पेपर नोटिस, उतने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था तो उन्होंने डाल दिया, उस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका है। डॉटर के नाम पे? हाँ, वो तो फिर हमने क्या, करवा दिया था। सोसाइटी फिर डिस्प्यूट क्या चीज करेंगे? का जो शेयर सर्टिफिकेट है ना वो उनको नहीं मिल रहा है ऐसा। ये तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये तो शेयर डुप्लीकेट शेयर नहीं, सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन जो होता है नॉर्मल वे में। हाँ तो वो उनसे नॉमिनेशन के लिए मांग रहे हैं सर, नॉमिनेशन सर्टिफिकेट या लीगल जिस जहाँ पर है ना वो खुद प्रूफ होती है कि वो ओनली डॉटर थी या उनका ही नाम पर था, ऐसे वो उनको बोला जा रहा है। जब जबकि ट्रांसफर कर दिया तो संदीप फिर ये प्रूफ कहाँ से? हेमंत जी, सर, क्या हुआ है कि इनके बातों से ऐसा लग रहा है कि कोई कैंटनमेंट वगैरह का पेपर पब्लिश किया हुआ है और उसपे सिर्फ पेपर नोटिस के बेस पे सोसाइटी ने उनको मेंबरशिप ट्रांसफर किया हुआ है, या ये सोच रहे हैं कि वे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है। अभी इनको ये समझना है कि प्रॉपर्टी ये बेसिस पे ट्रांसफर नहीं हो सकती है। नहीं, ये प्रोविजनल थोड़ी किया है उन्होंने सोसाइटी ने, ये तो आई बिलीव ये प्रॉपर ट्रांसफर ही है शायद। सर प्रॉपर ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन फिर यहाँ पर उसको शेयर सर्टिफिकेट मिलने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, अगर वो प्रोड्यूस कर रही। इट कैन नॉट बी प्रॉपर ट्रांसफर अनलेस एंड अनटिल देर इज ए विल, देर इज ए गिफ्ट डीड, वो बिल देर जो कि इज ए नाम पर आ रिलीज रहा है डीड। प्रॉपर्टी टैक्स का, नो मैडम, बेस्ड ऑन ओनली पेपर नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट्स इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट्स, प्लीज रिमेम्बर दैट। टाइटल डॉक्यूमेंट्स आर बेस्ड ऑन वॉट, लाइक जैसे आपने अभी सुना सर को, या तो एलए होना चाहिए, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, या तो प्रोबेट हो, या तो गिफ्ट डीड हो, उसके माता पिता ने उसके नाम पे गिफ्ट डीड कभी किया रहा होगा, या तो रिलीज डीड बाकी के लीगल हायर्स वगैरह ने किया होगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे तो ही टाइटल ओनरशिप ट्रांसफर होता है, नहीं तो देर विल ऑलवेज बी एन फियर ऑफ नोन एंड अननोन लीगल बेनिफिशियरीज। आप कह रहे हो कि अकेली लड़की है, लेकिन अगर डिस्प्यूट की बात करते हैं और कल से कल का एक बगल वाला भी आदमी उठ के आ जाता है, बोलता है नहीं मैं भी इसका बेटा हूँ, तो डिस्प्यूट हो गया ना ये चीज का। एंड दिस इज ए कॉमन थिंग इन इंडिया स्पेसिफिकली। सो द सोसाइटी इज राइट, इफ देर इज एन एप्रिहेंशन बाय द सोसाइटी, द सोसाइटी विल टेल यू कि प्लीज गेट ए कोर्ट डिग्री एंड देन वी विल डू द नीडफुल। एंड इफ एट ऑल ऑल दिस पेपर्स हैव बीन सबमिटेड, द सोसाइटी हैज ड्यूली ट्रांसफर्ड, देर आर टू कंपोनेंट, वन इज टाइटल ओनरशिप एंड वन इज सोसाइटी मेंबरशिप। दिस आर टोटली टू डिफरेंट थिंग्स। ट्रांसफरिंग ऑफ मेंबरशिप इज नॉट गोइंग टू गिव यू टाइटल ओनरशिप, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके ना, सोसाइटी के मेंबरशिप के सर्टिफिकेट के पीछे नाम डाल दिया आपने शिवानी करके, बट आपके पास में टाइटल ओनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो जब आप बेचने जाओगे या बैंक में पैसे लेने जाओगे, लोन लेने जाओगे, तो वो क्या पूछने वाला है आपको? सोसाइटी के शेयर सर्टिफिकेट के बेस पे आपको ना बेचने मिलने वाला है, ना तो मॉर्गेज होने वाला है। करेक्ट प्रॉपर्टी करेक्ट प्रॉपर्टी ओरिजिनल ओनर के नाम पे हमेशा खड़ा रहेगा। तो यू नीड टू डिटरमाइन ऑल दिस थिंग्स मैम। एनीवे, ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू सर। आई विल पोस्ट माय रिटन क्वेश्चन फर्स्ट, प्लीज डू, प्लीज डू। सेकंड सर का मैंने फोन नंबर डाल दिया है वहां पे, चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप उनको भी कर सकते हो, मुझे भी कर सकते हो, वी कैन डू द नीडफुल। आई विल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन थैंक यू संदीप सर। सर। आप प्लीज सर, प्लीज सर। देयर इज अ क्वेश्चन बाय टाइगर, ही सेज माय मदर प्रॉपर्टी ग्रैब एंड ऑक्यूपाइड बाय अंकल विथ फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स सिंस 50 इयर्स, क्राइटेरिया 50 साल। एफिडेविट रिसीव फ्रॉम हिम मेंशनिंग विल नॉट क्रिएट थर्ड पार्टी एंड विल नॉट ट्रांसफर टू एनी वन, एंड ऑल्सो सोसाइटी इज बैकिंग हिम, केस इन सिविल एंड क्रिमिनल सिंस 6 इयर्स, नीड गाइडेंस काउंसिलर। मिस्टर टाइगर, सिंस द मैटर इज ऑलरेडी इन कोर्ट, इट इज नॉट प्रॉपर टू डिस्कस दिस मैटर ओवर हियर, बट हाउएवर आई विल सजेस्ट यू टू कॉन्टेक्ट संदीप सर डायरेक्टली एंड विथ ऑल द नेसेसरी पेपर्स एंड गो अबाउट दैट। क्योंकि इसमें और बहुत फैक्ट्स हैं जो कि अभी यस डिस्कस सर, नहीं। यस। और 50 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, एफिडेविट बोल रहे हैं, तो दिस आर ऑल डाइसी थिंग्स। देर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन बाय श्रियासी श्रीवास्तव। क्वेश्चन हाँ सर, इज कैन सोसाइटी आस्क फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट व्हेन मेंबर इज अलाइव, दे क्लेम दे वांट टू कीप They claim they want to keep a record to avoid any problem in future. Is succession certificate made only after death of a person? If will is made, is there need for succession certificate?
सर ये आप ही आंसर कर सकते हो, ये थोड़ा सा टेक्निक। नहीं, ये तो क्या है कि आई मीन इट्स वेरी सिंपल थिंग। ऑफ कोर्स जब तक कोई आदमी गुजर नहीं जाएगा तब तक उसके बगैर उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो मिल ही नहीं सकता। तो ये तो अगर सोसाइटी ने मांगा है तो लाफिंग है, हंसने वाली बात है, ऐसा सोसाइटी मांगना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ सर्टिफिकेट कोर्ट से नहीं मिल सकता है, पहली चीज। दूसरा, अगर विल है तो विल को जैसा मैंने कहा था कि अगर डायरेक्ट विल के बेसिस पे भी सोसाइटी ट्रांसफर कर सकता है, और अदरवाइज विल का प्रोबेट होता है, और विल में अगर एग्जीक्यूटर नहीं है तो लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विथ विल होता है। ये दो डॉक्यूमेंट होते हैं विल है तो। सक्सेशन सर्टिफिकेट पिक्चर में नहीं आता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट जो वर्ड यूज किया है सेक्शन 154(b)(13) में, वो एक जेनेरिक सेंस में यूज किया है। सक्सेशन मीन्स यू सक्सीड टू द प्रॉपर्टी, इन दैट सेंस। सक्सेशन सर्टिफिकेट अदरवाइज का बेसिक पर्पस वो होता है डेट्स और सिक्योरिटीज को क्लेम करने के लिए सिर्फ। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल फ्लैट्स, लैंड अगर इन्वॉल्व है तो नो बडी गोज फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट। आई थिंक वॉट श्रेयसी माइट बी मीनिंग बाई दिस क्वेश्चन, कैन सोसाइटी आस्क फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट वेन मेंबर इज अलाइव? नो इट आई कांट। थिंक शी माइट बी वॉन्टिंग टू से कि सोसाइटी आस्क फॉर नॉमिनेशन पेपर, आई बिलीव हाँ ऐसा हो कुछ सकता ऐसा कुछ है, समझने कन्फ्यूजन में हुआ फर्क है। या इट कुड बी सर। बिकॉज सोसाइटी ऐसा मांगे, सरप्राइजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विजू मैडम, उनका क्वेश्चन वेरी सिंपल है, वेयर टू रजिस्टर द विल? सी, जहां आपका प्रॉपर्टी रजिस्टर होता है, जहां आपका प्रॉपर्टी सिचुएट है, वहां की जो रिस्पेक्टिव रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, वहां पे आपकी उसी जगह पे प्रॉपर्टी भी विल भी रजिस्टर होती है, सेम जगह पे। दैट इज टिपिकली कॉल्ड एज एसआरओ सब ऑफिस, सब सब रजिस्ट्रार ऑफिस। सो यस। फॉर द नॉलेज ऑफ ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स, आई विल ऑल्सो लाइक टू आस्क यू सर, कि मानो एक आदमी है वो इनफर्म है, बेड से नहीं उठ पा रहा है, हाँ लेकिन वसीयत बनाना चाहता है, या हाँ बेड से नहीं उठ पा रहा है किसी कारणवश, बीमार है, एक्स्ट्रा बीमार है या हाँ जटिल, हाँ राइट तो देर इज ए प्रोविजन, राइट इज देर ए प्रोविजन टू फाइल फॉर एन एप्लीकेशन विद द एसआरओ कि सर ऐसी ऐसी परिस्थिति है, आप हाउस विजिट का अरेंजमेंट करें जहां पे मेरा विल रजिस्टर करें। और सिमिलरली विल तो रजिस्टर कर ही सकते हैं, सिमिलरली आई थिंक वो गिफ्ट डीड भी रजिस्टर कर सकता है घर पे आके इन सच सर्कमस्टेंसेस। तो थोड़ा सा एक दो शब्द इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं? मेरा जानकारी लिमिटेड है, लेकिन ये ऐसा प्रोविजन है लॉ में, ब्रॉडली इतना ही कह सकता हूँ सर। आई एम सो सॉरी, इससे ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन लॉ में इसका प्रोविजन है। इस तरह का एप्लीकेशन करके उनको, रजिस्टरिंग अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करके घर पे बुलाया जा सकता। यस सर, देर इज ए प्रोविजन, एक्चुअल प्रोविजन, वेर इन इज सपोजिंग ए पर्सन इज इनफर्म या वो नहीं किसी कारणवश एसआरओ ऑफिस जा सकता है, तो करेक्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके कि एप्लीकेशन भर दो, शायद 2,500 रुपये का फीस है, एक महीने में अपॉइंटमेंट मिल जाता है, एसआरओ का प्रतिनिधि घर आ जाता है, वो राइट देखता है कि क्या परिस्थिति में, मेंटली सेटिस्फाइड हो जाता है कि ये मेंटली फिट है, पूछता है पाछता है अपना सारा, दो भी दो चार क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, और अगर उसे लगा कि ये सब ठीक है और शायद उस रूम से घर में से सबको बाहर कर देगा 2 मिनट के लिए, उससे 1-2 मिनट कॉन्फिडेंस में बात कर लेगा, व्हेन ही सेटिस्फाइड देन ही हैज द पावर टू रजिस्टर योर विल, ही हैज द पावर टू रजिस्टर योर इवन गिफ्ट डीड आल्सो एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आल्सो। तो एक प्रोविजन तो है सर, थोड़ा कॉस्टली है बट है। नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एजेड इनफर्म लोगों के लिए हेल्पफुल है। अदरवाइज वो रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, गिफ्ट डीड नहीं रजिस्टर कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू हो सकता है, मगर उसमें भी डिफिकल्टी होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय जया दत्ता खांडेकर, इफ देर आर टू ओनर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इज इट नेसेसरी दैट दे शुड मेक सेपरेट विल और जॉइंट विल कैन बी डन? सी, जो अपने यहाँ के जो लॉज हैं, ये वी हैव इनहेरिटेड लॉज ऑफ इंग्लैंड, प्रॉपर्टी लॉ या कोई भी लॉ बोलिए आप। सो इसको बेसिकली जो ओनरशिप है उसको, देर आर टू लीगल एक्सप्रेशंस, जॉइंट टेनेंसी एंड टेनेंट्स इन कॉमन, लीगल, दीज आर लीगल एक्सप्रेशंस। सो अगर ए और बी जॉइंट ओनर हैं, तो इंग्लैंड में जो लॉ फॉलो किया जाता है वो ये है, सर, लॉ ऑफ द सर्वाइवर। ए अगर मर गया तो
वी बिकम्स द एब्सोल्यूट ओनर। इंडिया में लॉ ये फॉलो नहीं किया जाता। इंडिया में अगर ज्वाइंट ओनर्स हैं कोई, तो अगर डिपेंडिंग अपॉन देयर शेयर होल्डिंग परसेंटेज, अगर वो प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो 50-50, सो दोनों के 50-50% शेयर होते हैं। तो हमेशा प्रेफरेबल, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि सेपरेट विल बनाइए। आपको अगर कहना है कि भाई विल में मेरा 50% है, मेरे मरने के बाद में मैं मेरा 50% इनको देता हूँ या देती हूँ, लेकिन विल सेपरेट रखिए। यस सर, आई विल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय जेलिया कोठारे। कैन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डेमेंटिया, डेमेंटिया एक मानसिक व शारीरिक, कैन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डेमेंटिया मेक ए विल, व्हाट इज द क्राइटेरिया एज डॉक्टर इज नॉट गिविंग ए लेटर टू क्लियर द पर्सन डेमेंटिया। इसका आंसर तो नहीं है मेरे पास, मुझे नहीं पता। नो, व्हाट इज, आई जस्ट वांट टू नो बिकॉज़ आई हैव फिल द नॉमिनेशन पेपर एंड आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर, आई मीन बिकॉज़ द विल हैज नॉट बीन मेड। सी तो सी विल ऑब्वियसली, डिमेंशिया इज अ काइंड ऑफ मेंटल लक्यूना, राइट? यस यस। सो इफ दैट पर्सन इज नॉट फिट मेंटली, then yeah, he can't execute a will then. So just a nomination certificate, nomination letter is all right for the nomination people. Doesn't confer any title, no. That is what. So what I mean, what else can should be done? Then of course, unless he regains his mental strength, that cannot be done. The will cannot be made at least. Then the property will go by rules of succession. Okay, the nominees are successors by itself. No, I mean, nominees are successors, then it's fine. Okay, so there's no problem. Yeah, will can be made. See, it's a prerequisite that a person must be mentally sound. Stable, right. Thank you so much, sir. So the next question is by Shiv Kumar Ramdas. Is there a format for the will? There is no prescribed format, not at all. I mean, it can be, the will can be limited to three words or lines, that I own this property, I give to this person. That's all. It should be properly dated and witnessed by two persons. That's all. There is no format at all. These are the, see, requisites. There are requisites that you properly identify the property, you properly identify the person to whom you are giving, and witnesses, two witnesses. Two witnesses must. There is no format. So conclusively, can we say that the name of the testator, address, etc., etc., the name of all the beneficiaries, of course, the sir, list of all the properties. These are the broad things, of course, required. Broad things. Yeah. And there is no such thing कि भई यही format में होना चाहिए. अपना अपना, जैसे अभी चार legal hires हैं. ठीक लगे. Clarity देनी चाहिए. जो percentage में देना है वो तो खुद ही describe करना है. सिंपलेस्ट वर्ड्स में रखिए विल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय प्रदीप माथुर, समथिंग लाइक जिस ए बिट ऑड, कैन यू प्रोबेट, कैन यू प्रोबेट व्हाइल यू आर अलाइव? नो यू कांट, नो, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेट देन अराइजेस? नो यू कांट, नो, माय क्वेश्चन वाज दैट इफ यू मेक ए विल एंड यू वांट टू प्रोबेट इट बिफोर, यू वांट टू ऑथेंटिकेट दैट विल, आई अंडरस्टैंड व्हाट फ्रॉम योर क्वेरी इज, no, before you die, because right? Mumbai, you have to probate the will, that is necessary and correct, that is compulsory, correct. So if you make a will, can you probate it before you give it to your hired? The question of probate arises only after your death, because will takes effect after your death. So that means your legal hire have to go to the court to probate it. Yeah. No, see, what happens if there are many properties for which the beneficiary has to obtain the probate. Otherwise, if there are no contests among the heirs, then at least the society can transfer the property in the name of your, on the basis of that will. Even if you don't probate it? Yeah, correct, yes. No, but what about the other immovable assets? Therefore, I'm saying no. For other things, of course, when if you require a probate, then it's a different thing.
then where is the difficulty in obtaining probate? It's an administrative thing. Only the expenses are involved, that part. How much does it cost? See, it depends on the valuation of the estate of the deceased. The maximum court fees is 75,000 rupees. And on a valuation of 10 to 11 lakhs, roughly, of the estate, it comes to 75,000. So if, even if the estate is of 100 crores, the maximum court fees is 75,000. Even if you have mentioned two properties in the will, it will be only 75,000. See what happens, you know, their will could be of only one property or two property. Okay. But once you make an application for probate, it is obligatory upon the applicant to disclose all the assets which the deceased died possessed. See, the person who has died may be possessed of many properties, but he has made a will in respect of only few properties, right? As you are suggesting. Yeah. Correct? So, but when you may apply for probate, you have to disclose all the properties. But the legal eye may not know all the properties, no? To whatever he knows. See, in the sense, of course. See, if at the later point of time, if he comes to know that that was also the property, then you have to make an application for amendment and to add the property in your list schedule of the properties. That's okay. So if it is, everything is fine, you have only one property or two property and you are put the names of the heirs in the will. So only after you die, the will can be probated, and that has to be done by the executor, right? Not necessarily executor. Is if executor is appointed, then executor may file an application, or even if the executor doesn't files, first right is of executor only, but the legal heirs can also apply, and they may convince the executor that you may not do it, we will do it by ourselves. So it is not necessary that only the executor can only apply for then in court, or it can be done in registrar office. No, it is before the in Bombay, it is before High Court. High Court. Okay. Yeah. All right. That's it. Thank you. Yeah, please. Next question is by Vanita Nadar. The question is this way: if the property is in wife's name, earned by husband, just due to love and affection, if the property is in wife's name, right, earned by husband, that means property wife ke naam pe kharida hai husband. Right. Yeah. Can that wife transfer and gift to any one child out of three child without concerning other legal heirs? Can objection by other two children can be raised? The society is favoring the gift deed. See, nobody can object. As long as the property is in my name, it is immaterial. Only the person who can object is the husband, who has paid the consideration. Because under Section 46 of this Transfer of Property Act, it provides that the person... it provides that the person who pays the consideration price also has an interest in the property, although his name may not be showing it. So others can't object. That property belongs to the wife only, as long as the husband is not objecting, who has paid the consideration, the purchase price. Next question is by Agnilo Gomes. His question is, owner of flat expired 10 years. There are five siblings, but the nominee holder is spinster daughter, on whose name will is done. The nominee is spinster daughter, aur uske paas usi ke naam ka will bhi hai. Other siblings are spread in states outside Mumbai. What is the procedure to transfer the flat to the nominee with a notarized will? What is the procedure to transfer the flat to nominee with notarized will? ये कुछ सवाल कुछ लास्ट में कुछ अजीब है. सी उनको फ्लैट ट्रांसफर करने से मतलब है टू द नॉमिनी विद नोटराइज्ड विल, मतलब तो शी इज एंटाइटल्ड टू, शी हैज टू मेक एन एप्लीकेशन, दैट यू मेक एन एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल बिफोर द सोसाइटी अलॉन्ग विथ योर
affidavits and no objection from rest of the siblings, and society will verify the same and society will transfer them. This daughter is having will in her name. As question se aisa pratit hota hai ki daughter ke naam pe will hai. Correct. On whose spinster daughter, on whose name will is done. So that correct. Means it seems that daughter is the sole beneficiary in the correct will. Exactly. Therefore, and the will is supposed to be a notarized will. ठीक है, notarized will का इसको क्या, अगर वो दो signatures हैं तो does not really matter. Right. So what is the procedure to transfer the flat to the nominee? Make an application before the society for membership, right? On the basis of that will and along with the rest of the NOCs, affidavits from siblings. So if the property is in Mumbai, I know Mr. Agnolo Gomes is from Mumbai. If the property is in Mumbai and if there is a will, right, then daughter has to get the will probated. No, not necessary. Not necessary. Okay. See, I give you an example also, sir. Section 213 of this Indian Succession Act, it categorically says it exempts from obtaining will for Mohammedans and Christians. Yes, sir. Okay. Next question is by Advocate Shailendra Deshpande. Can leasehold property be transferred by will, especially when lease is not transferable? No, it is not. Contradictory question, but still. Yeah, please. The question itself is contradictory. Lease is not transferable. Yeah. But then he says ki kya leasehold property transfer kar sakte hain will se. Even otherwise bhi nahi kar sakte. Leasehold properties can't be transferred by will, no. Okay. Another question by Pradeep Mathur again. If you rewrite the will, do you have to spend money to probate the new will? Rewrite the will. Do you have to spend money to probate? Already answered. Another thing was that you can register the will while you are alive, but you cannot probate the will while you are alive. Ha, yeah, that's yes. Correct. Okay. We'll take up the next question by Hemant Mirji. Yes. The question is this way: a property is under litigation. Property is under litigation as the will is being contested. Right. There is no nomination. The society is now on the brink of signing the DA agreement, development agreement. Agri development ho raha hoga. Right. What is to be done for such a flat wherein the ownership is not established as of date? The developer is chasing for the DA agreement as he wants to start the project. What is the society supposed to do? Nomination nahi hai, will hai, lekin litigation mein gaya hua hai. Right. सोसाइटी डीए साइन करने के कगार पे खड़ी है, राइट, लेकिन डीए में टाइटल ओनर किसको डाला जाए, क्योंकि विल तो वहां पर है, तो ओरिजिनल नाम पे प्रॉपर्टी खड़ी हुई है, इस केस में सोसाइटी को क्या करना चाहिए? सर, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, आप बता सके तो अच्छा होगा. ओरिजिनल टाइटल ओनर जो है प्रॉपर्टी का, उसके नाम पे प्रॉपर्टी आज के दिन पे खड़ी है, उसने विल बनाया हुआ है, लेकिन उसके बाकी बेनिफिशियरीज या लीगल हायर नोन और अननोन, नो विल पे उसके कॉन्टेस्ट किया हुआ है, प्रोबेबली इन द सिविल कोर्ट या जहां भी है वो. तो इन अदर वर्ड्स, द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड टिल यू गेट द कोर्ट ऑर्डर्स. करेक्ट, विच इज एन ऑब्वियस थिंग. सो द डीए एग्रीमेंट एंड इन द सोसाइटी रिकॉर्ड द ओरिजिनल टाइटल ओनर विल स्टिल बी देयर एज अ रिकॉर्ड ऑन पर्सन, एंड व्हेन दिस this thing is settled off in the court, then based on the court degree. But sir, how you can make an agreement in the name of a deceased person? No, it will be kept in abeyance till this particular court degree is agreement obtained. Is kept in abeyance, you are saying? Yes, the DA agreement, development agreement, because the tripartite agreement you are suggesting, right? Yeah, the DA agreement has to be signed by the society's managing committee. Correct. Not by all the members of the society. Yeah, I'm talking about the tri-party which is signed independent of the DA. Yes. So when that court dispute is settled, get the degree, and then the individual agreement between the developer, right, and the society
एंड द लीगल हायर who has got the court ordered court degree in his favor, Barabha. Will be coming on record. Correct, correct. Sir, may I ask a question? May I expand this question, sir? Okay, Himanji, go ahead. Just quickly. So, in case the agreement is that the builder also is supposed to give rent, the interim rent for the people who are displaced, correct? Right. Now, these rents are to be collected by whom? Because it has to be deposited in the court. Okay. It is a procedure. There are other ways of also doing it, provided the litigant parties in court agree कि वो रेंट वगैरह का कंपोनेंट कैसे क्या करना है. There has to be some sort of settlement between them, excluding the rights to the property or the benefits out of this DA, can be deposited into the court. Next question is by Ashish Dubey. Ashish Dubey has just completed his law. He has also become an advocate. Ashish Dubey's question is, what happens to a flat in housing society where owner who was never married? What happens to a flat in a housing society where owner who was never married dies without any will? There is no relative and no nominee as well. Okay, interesting question. Does it go to the society? Right, no? If there are no legal heirs, no claimants, तो जैसे सर आपको याद होगा वो प्रवीण बाबी का केस, वो फिल्म स्टार प्रवीण बाबी, वो गुजर गई और उसके कोई लीगल हायर थे ही नहीं. पर गुजरने के बाद चूंकि प्रॉपर्टी करोड़ों में थी उसकी, वो फॉल्स क्लेमेंट्स आ गए, राइट, तो स्टेट ने प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली सारी. करेक्ट. और HSA एक्ट प्रोवाइड्स कि अगर कोई लीगल हायर नहीं है तो प्रॉपर्टी स्टेट की कस्टडी में जाएगी. करेक्ट है, सेक्शन 10 आई बिलीव, एसटी टू एस्टेट. So, इनका कंटिन्यूइंग क्वेश्चन ऐसा था, डज द फ्लैट गोज टू सोसाइटी इन दिस केस और हु विल बी बेनिफिटेड बाय दिस थिंग. यू हैव योरसेल्फ सेड कि द ओनर ऑफ द फ्लैट, इट इज नॉट ए महाड़ा फ्लैट. ओनर ऑफ द फ्लैट मीन्स ओटीपी एक्ट और स्टैम्प ड्यूटी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट और आर्टिकल 300A के अंडर में वो तो ओनर तो खुद ही है. उसका फ्लैट सोसाइटी को तो बिलोंग नहीं कर सकता कभी भी, तो वो सोसाइटी उस फ्लैट को तो टच नहीं कर सकती है. सोसाइटी के पास तो उस फ्लैट का एग्रीमेंट है नहीं कि इस पार्टी सोसाइटी उस टाइटल ओनर है. ओनर तो वो अनिल शर्मा है जिसके नाम पे वो फ्लैट था. सोसाइटी इज कंसर्न ओनली अबाउट इट्स मेंबरशिप. मेंबरशिप की कीमत क्या है आपकी सोसाइटी में? शायद 250 रुपये होगी या 500 रुपये होगी. 500 रुपये के शेयर सर्टिफिकेट के लिए जो आप फाड़ के फेंक सकते हो सेफली, मेरे जजमेंट के हिसाब से आप वो करोड़ का फ्लैट सोसाइटी को नहीं दे सकते. नाइदर द सोसाइटी हैज गॉट एनी राइट टू क्लेम दैट फ्लैट. सोसाइटी का राइट कहाँ निकलेगा सर जी? 10 साल का मेंटेनेंस हो गया, 5 करोड़ रुपए मेंटेनेंस हो गया. अब उस मेंटेनेंस को हासिल करने के लिए भी उसे रिकवरी प्रोसीडिंग करके प्रॉपर ऑर्डर लाना है और प्रॉपर ऑक्शन करना है, तब जाके वो फ्लैट सोसाइटी अपने कब्जे में ले सकती है. दैट इज माय थॉट ऑन इट. सर कैन यू कंफर्म? संदीप सर, नहीं सर, मुझे इसके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है. आपका आपका जानकारी ज्यादा है इसमें डेफिनेटली. यस सर, यू आर राइट सर. जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर एक्सपेंशन ऑन दिस कि इन दैट केस अगर कोई है ही नहीं, रिलेटिव भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, कोई भी नहीं है, एंड उस चीज को जैसे विल का भी हम बात कर रहे थे कि कोरे कागज पे भी साइन करके किसी ने एक विल डिक्लेयर कर दिया है एक्स वाई जेड के नाम पे, कल को कोई भी उस चीज को फिर खड़ा हो सकता है क्या उसको? यस सर, आशीष जी, पक्का खड़ा हो सकता है. एंड टिपिकली इंडियन कोर्ट्स में ऐसे बहुत से केसेस हैं. आई विल टेल यू एन एग्जांपल. अनिल शर्मा है, उसने एक विल बनाई 2000 साल में. वो गुजरा 2019 के कोविड के टाइम पे. 2000 साल से लेके 2019 के बीच में 19 वर्ष का गैप आ गया. आगे पीछे कोई नहीं है. बगल का एक पड़ोसी है जो पक्का दोस्त है उसका, है ना, काफी कुछ उसके बारे में उसको पता है, डॉक्यूमेंट्स भी पता है उसके, शेयर करते हैं. जैसे हम कभी यहां से दिल्ली, बॉम्बे से दिल्ली जाते हैं राजधानी एक्सप्रेस में बैठ के, शाम को 5:30 बजे बैठे, 7 बजे तक आपकी जो बगल वाली सीट है या सामने वाली सीट है उससे एक अनजान किस्म का रिश्ता हो जाता है. ना चाहते हुए भी आप कई चीजें उससे बातचीत करना शुरू कर देते हो. इनफैक्ट आप ये भी बोल लोगे कि मेरा लड़के की तो शादी यहाँ पे हुई, मेरा लड़का तो यहाँ पे काम कर रहा है, मैं तो ये काम करा करता था, मेरे तो ये इन्वेस्टमेंट. एक अनजान आदमी को हम लोगों ने काफी कुछ डिस्क्लोज कर दिया.
लेट से ट्रस्ट के ऊपर डिस्क्लोज किया या हमारी फितरत हम डिस्क्लोज कर देते हैं। इसी तरह अनिल शर्मा ने अपनी प्रॉपर्टी का राज अपने बगल वाले को डिस्क्लोज कर दिया। अब अगर बगल वाला देखता है कि भाई कोई नहीं है तो देट नथिंग स्टॉप्स हिम टू क्रिएट ए विल इन हिज फेवर, गो टू द कोर्ट, गेट इट प्रोबेटेड, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन हिज नेम एंड सेल इट ऑफ। हु इज गोइंग टू कॉन्टेस्ट? अनिल शर्मा है नहीं, अनिल शर्मा को कोई भी वारिसदार नहीं है, ना अगला ना पिछला, तो कॉन्टेस्ट करने वाला कौन है वहां पे? ना तो आप कर सकते हो, ना तो मैं कर सकता हूँ, ना तो कोई नहीं कर सकता। अगर मैं करना भी चाहूं तो आई हैव टू बी एन इंटरेस्टेड और वेस्टेड पार्टी इन दैट, तो वो होने देने वाला नहीं है। तो जब तक कोई चैलेंज नहीं करेगा आपका विल, आप किसी की भी प्रॉपर्टी हड़प ले सकते हैं। एंड दिस इज नथिंग न्यू आशीष जी, कोर्टों में ये इस तरह के सिमिलर केसेस बहुत ही चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय एडवोकेट फातिमा फौजदार। फातिमा जी, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन टू प्रदीप सर प्लीज। संदीप सर। यस सर, गुड इवनिंग हेमंत सर, गुड इवनिंग संदीप सर। प्लीज, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन, ऑफ कोर्स इट्स रिलेटेड टू द टॉपिक बट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आई विल जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम द चैट बॉक्स इटसेल्फ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर, माय क्वेश्चन इज that just now everything is governed by personal laws, whether it is the Indian Succession Act, Muslim, Parsi Act, Christian Act. But will the Uniform Civil Code, if implemented, bring in more uniformity, as personal laws do create a hindrance? The Muslim may not want to will his 2/3 of his property to a relative who has never stood by him. He might want to will it to 100% to someone of his friend who may not be a Muslim. In that case, does law provide for some other option to us till the Uniform Civil Code? It's a very hypothetical question. I mean, there cannot be a legal answer to it. Hemant sir, madam, agar uniform code ab tak lagu nahi hua hai, to obviously jo hamare existing codes hain, hum usi ke anusar hi chalenge. Yes sir. अभी अगर एक मुस्लिम ये कहता है कि मुझे अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है, खुद की एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उसने 100 रुपए कमाया जिंदगी में और उसके बीवी बच्चे हैं, सभी कुछ है और वो प्रॉपर होश में है, इज ही एंटाइटल्ड टू गिव दैट प्रॉपर्टी टू एन हिंदू? इज ही एंटाइटल्ड टू गिफ्ट हिज प्रॉपर्टी टू ए लोकल पान वाला और टू एनीबडी? देयर हैज टू बी एन आंसर टू इट। सो इफ इज If he is not entitled to, there should be some reason. But there is no reason, unfortunately. He is entitled to give his property to anybody. अगर मेरा खुद का कमाया हुआ है तो मैं वो प्रॉपर्टी को फाड़ दू, अड्डे में डाल दू, बेच दू, कुछ भी कर दू, मेरा पर्सनल चॉइस है। पर अगर मैं प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ना करते हुए अगर गुजर जाता हूँ तो मेरा जो पर्सनल लॉ है आज के दिन पे उसी चीज से मैं गवर्न करूंगा। ओके, सो इट इज ओनली इन द केस सिविल कोड वगैरह नहीं आ जाता, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ जाता। ओके सर, सो इन दैट केस इट इज ओनली इफ देयर इज अ विल देन ही कैन इवन गिव 100%, ओनली इन केस ऑफ नो विल देन द पर्सनल लॉ विल अप्लाई। आई मीन टू से दैट इन केस देयर इज अ विल देन द पर्सनल लॉ विल नॉट अप्लाई, ही कैन गिफ्ट इट टू एनीबॉडी, बट इफ देयर इज नो विल देन द पर्सनल लॉ विल इन द विल पर्सन लॉज अप्लाई, नो, इवन इन द विल, because there is a bar in Muslims to give the whole of the property by way of will, so personal law applies in wills also. Fatima madam, mera uttar aisa tha, answer aisa tha ki agar wo aadmi ka 100 rupaye khud ki property hai, wo zinda rehte rehte wo apni property kisi ko bhi de sakta hai aur daan bhi kar sakta hai, there is no stopping him. Okay, but agar uska 100 rupaye hai aur usne वो विल करना चाहा तो उसके पर्सनल लॉस लागू हो जाएंगे, उसने विल नहीं बनाया अपनी प्रॉपर्टी का और वो गुजर जाता है तो भी उसके पर्सनल लॉस ही उसके उसके लागू पड़ेंगे। ओके सर, ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू संदीप सर। या प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय किशोर समतानी। फ्लैट इज इन टू नेम्स, नॉमिनेशन शुड बी मेड फर्स्ट मेंबर और बोथ? Flat is in two names. Right. Flat is in two names. Nomination भी should be made first member or both. मतलब ऐसा कह रहे हैं कि एक flat है अनिल शर्मा का,
करेक्ट, उसके पास में दो उसके वारिसदार हैं, तो वो दोनों को नॉमिनेट कर सकता है या सिर्फ एक ही को कर सकता है? नहीं ऐसा नहीं, इसका सवाल शायद ये है कि जॉइंट नेम पे फ्लैट है। हेलो सर, सर ओके मिस्टर किशोर यू आर देयर ऑनलाइन प्लीज। या आप ये तो संदीप सर। या हेलो, मैं मेरा फ्लैट में अपने मियां बीबी के नाम पर है, फर्स्ट इज हस्बैंड सेकंड इज वाइफ। करेक्ट। अभी अगर मुझे नॉमिनी करना है तो हस्बैंड कैन नॉमिनी द फ्लैट टू एनीबॉडी, ठीक है, मगर उसका जो वाइफ है उसको भी नॉमिनेशन अलग करना चाहती है वो कर सकती है या एक ही नॉमिनी चलेगा दोनों के बीच में? पहली बात तो आप ये समझिए कि नॉमिनेशन डजंट कन्फर्स एनी टाइटल, ये बेसिक चीज है। हाँ, तो आप इट डजंट सर्व एनी पर्पस कि आप वाइफ जो है समझो जो सेकंड जॉइंट ओनर है जी सेपरेटली नॉमिनेशन करे, बिकॉज नॉमिनी यू आर नॉट गिफ्टिंग और गिविंग एनी टाइटल टू द प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ नॉमिनेशन। सवाल पूछा है कि दोनों के नाम पे फ्लैट है नहीं, ये नॉमिनी एक चलेगा कि दोनों का अलग अलग चलेगा? नहीं नहीं, एक ही नॉमिनी होता है, एक ही नॉमिनी फॉर्म पे दोनों सही कर सकते हैं ना, हस्बैंड एंड वाइफ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बराबर सर। हेलो, हाँ एब्सोल्युटली हेमंत सर, हाँ करेंगे प्लीज। थैंक यू सर। मैं मेरा सेकंड क्वेश्चन है विल के बारे में। हाँ हेलो, अगर हाँ, कोई विल करता है हाँ, मतलब मेरे फ्लैट के था वो मेरे डैडी के नाम पे था, मेरे पिताजी के नाम पे था, मैं उसका नॉमिनी था, मुझे फ्लैट ट्रांसफर किया गया, नॉमिनेशन किया गया मेरे नाम पे, सोसाइटी में बिल मेरे नाम पे आता है, शेयर सर्टिफिकेट मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गया, अभी मुझे विल बनाना है तो मैं उस फ्लैट का विल बना सकता हूँ जिसका मैं नॉमिनेट था? यस यस, उसके लिए कोई प्रॉपर्टी कार्ड या ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं नहीं, यू बिकम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ओनर ऑफ द फ्लैट, अब बिल जो है मेरे नाम पे आता है, सर्टिफिकेट मेरे नाम पर है, राइट राइट, यस, उस प्रॉपर्टी को फ्लैट का मैं विल कर सकता हूँ? Yes, 100%. उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं नहीं। Okay, okay. Sir. Thank you very much, sir. There is a question by Dhani Appi. In case a person dies intestate, which is better, which is better, succession certificate or LOA or legal hire certificate to transfer both immovable or movable property? See, when there are immovable properties are involved, so obviously you have to obtain letters of administration without will. There is no choice. Hello. Yes. I'm Dhania Pia. Yeah. First of all, good evening everyone. And thank you for arranging such a platform. This is definitely an eye-opener for many of them. And yeah, my question was, as Hemant sir has said, that whether which is important, because in many of the there is a difference of opinion with regard to succession certificate, that is only debt securities are to be claimed for succession certificate. It is a limited role. So correct. Whether if at all succession certificate is granted by the district court, and in case in Mumbai it would be from the high court, then will that succession certificate will be applicable to one particular illegal heir or to all this particular succession certificate? See, succession certificate, it lists out the properties that these are the properties are to be recovered, and okay, these are the persons who are the heirs of the deceased person. Okay. So it's a medium to certificate is a medium to claim the property. Then of course it will go according to the rules of succession. The distribution will go according to the rule of succession. So basically for a immovable property, there should be a LOA in case there is no will, right? Correct. LOA without along will. Along with this succession certificate. If see succession, because in LOA without will, you can include all the estate, movables, all kind of movables, all immovables. So no separate succession certificate is required. Okay, and what about legal heir certificate? No, see, these are the three mediums.
okay alternatives. Okay. So there is no need for going for legal heir. See what happens, you know, legal heirship certificate, suppose there are no properties are involved, then a very nominal 200 rupees court fees is payable and then you obtain the legal heirship certificate. Okay. So heirships, if the properties are involved, then still you can make an application for heirship certificate, but then the entire court fees is required to be paid. Therefore, it is better to apply for LOA without will, where you can properly administer the estate of the deceased. Okay, so basically, LOA is the right thing if you if there are two immovable as well as movable property, right? Yes, succession, there is no point because you have to spend for both the separately because court fees are attracted. Separate court fees would have to be paid for every instrument. Okay, and the time taken of all the three, which is the quickest? See, ordinarily, if there are no contests, 6 to 8 months are required for even for succession or for LOA, both. Okay, so in short, LOA is better. Very well, yeah. Very well, very well. Thank you so much, Sandeepa and Hemant sir. Thank you very much. Next question is by the way, there is Mr. Vijay Nagre, who says ki house visit by SRO is possible. SRO application should be supported by medical certificate. Okay, now next question is by Advocate Vikrant Jindal. He says, could you please explain again legal ownership and membership? आपने शिवानी जी को एक्सप्लेन कर रहे थे ना, उनका बोल रहे सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट दे नहीं रही है करके, लेकिन फ्लैट ट्रांसफर कर दिया, वो उस वक्त आप कुछ लीगल ओनरशिप और मेंबरशिप के बारे में बोल रहे थे, तो फिर बात आधी रुक गई थी, वो जरा बात बोल सकते हो दोबारा? जिंदाल साहब, आई कुड नॉट, कौन बता रहे थे, कौन एक्सप्लेन कर रहे थे सर? नहीं, यहाँ पे पहले आपने एक्सप्लेन किया था, शिवानी जी ने एक सवाल पूछा था कि सोसाइटी ने शेयर से वो शेयर सर्टिफिकेट दे नहीं रही है उनको, लेकिन फ्लैट वही कैंटोनमेंट के हिसाब से ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें आपने दो एस्पेक्ट बताए थे, लीगल ओनरशिप एंड मेंबरशिप, उसका पूछा था। ओके, आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा है, तो अगर हमें लास्ट में टाइम मिलता है तो आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन दैट सर. Please excuse me up to that time. Okay. I'll request all the participants to please mute themselves. All the participants, Mr. Kapadia, please mute yourself. Okay. Next question is by Sarfaraz Masurkar. Lost set certificate society not cooperating to issue duplicate share certificate. Himant sir, इसका जवाब आप दीजिए, बेटर है। Mr. Sarfaraz, if you are listening, please come online and थोड़ा सा आपके क्वेश्चन पे और रोशनी डालिए। Are you there? Okay, he is not there. Next question is by Sunil Bhagwanani. I am not very good at pronunciation surname, so थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। हेलो, हाँ, सुनील भगवानानी हियर। ठीक है सर, आई रीड आउट योर क्वेश्चन, जस्ट स्टे ऑनलाइन। संदीप सर के लिए मैं ये क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ। कैन वाइफ ऑफ लीगल हायर नाउ डिसीज्ड हैव द सेम राइट्स ऑफ लीगल हायर? कैन वाइफ ऑफ लीगल हायर नाउ डिसीज्ड हैव द सेम? ठीक है, तो वाइफ ऑफ लीगल हायर मतलब उसके पति गुजर गए, ऐसा आप कह रहे हैं सुनील जी? यस। संदीप जी, वाइफ ऑफ लीगल हेयर, हाँ, हस्बैंड गुजर गए हैं, पूछ रहे हैं कि वाइफ को सेम लीगल हायर का राइट्स है क्या? हाँ, हिंदू में तो वाइफ इज वन ऑफ द लीगल हेयर नो, क्लास वन में। ओके सुनील जी, और कुछ पूछना है आपको सेम संबंध में इन शॉर्ट? हाँ, तो जस्ट सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट से काम हो जाएगा ना? आपके वो जो हस्बैंड है, क्या उन्होंने कुछ वसीयत बनाई है या कोई डॉक्यूमेंट? नहीं, कुछ नहीं। उनके हस्बैंड के मतलब बच्चे होंगे? हाँ, वो है।
सर आपका इनको हायर का वो जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा एलओ के लिए अगर विल नहीं बनाया हुआ है तो। संदीप सर सॉरी हाँ अगर पति है, पति गुजर गया, पत्नी है, दोनों के बच्चे भी हैं, तो सिर्फ जो पति गुजर गया उसकी पूरी प्रॉपर्टी वाइफ को तो नहीं ट्रांसफर हो सकती है? नहीं पूरी नहीं, इसमें जो हेयर्स हिंदू मेल डाइड इंटरस्टेट में जो हेयर्स होते हैं क्लास वन में, यस सर, सन डॉटर मदर एंड वाइफ, ये चार जन लिस्ट और बड़ी है, ये मेजर चार लोग होते हैं तो इनको चारों शेयर होता है। ओके संजीव जी, क्वेश्चन ये था कि एक फ्लैट है जो 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 हस्बैंड है उनके मदर के नाम पर था और एक उनके सन के नाम पर था, ठीक है, तो मदर एंड सन से सन मतलब मदर को तीन बेटे थे, मदर को तीन बेटे थे और वो मदर और सन के पास, ये सन का बात नहीं कर रहा हूँ, एक सपोज दूसरे सन के पास था, अभी मदर ने कोई नॉमिनी नहीं किया था तो मदर का जो शेयर है आइडियली विल गो इनटू द थ्री सन्स ऑफ द मदर, राइट, ए बी एंड सी। अभी उसमें से जो बी है वो डिजीज हो गए हैं, तो जो बी के जो वाइफ है उनको वो सेम राइट्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, मतलब मतलब मदर हैज ए बी सी थ्री सन्स, द फ्लैट इज द नेम ऑफ मदर एंड सन ए, द मदर हैज डाइड एंड the son B also has died. So will the mother's का जो शेयर जो son B को जाता है वो son वो B के wife को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Whether B has survived was living at the time when the mother died. Yes. No. The son died before the mother. Then his wife doesn't get the share. I doesn't get the share. उनके बच्चों को मिल सकता है अगर कोई बच्चे हैं तो। हाँ मतलब किनके बच्चे को, मतलब वो बी जो मदर एक्सपायर हो गए उनके बच्चे को मिल सकता है ना? बी जो उनका सन था, बी सन हाँ और वाइफ है, करेक्ट, तो उनके वाइफ को नहीं मिलेगा शेयर बिकॉज ही इज प्री डिसीज द मदर, मदर यस यस, मगर उनके कोई बच्चे हैं तो उनको बच्चों को हक मिलता है, मिलता है ना, तो एंड दैट बी हैज ओनली वन डॉटर तो उनको मिल जाएगा ना, बी की डॉटर को मिलेगा, यस, जो 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 भी परसेंटेज होगा ओरिजिनल फैट का वो मिल जाएगा। या करेक्ट, यस यस, ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर हेरमन, हिज क्वेश्चन इज कि नॉमिनेशन ऑलरेडी गिवन टू सोसाइटी इन माय वाइफ्स नेम 100% शेयर, आफ्टर माय डेथ प्रॉपर्टी विल ऑटोमेटिकली गो टू माय वाइफ, राइट, और विल इज मैंडेटरी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू माय वाइफ आफ्टर माय डेथ? सी अकॉर्डिंग टू सक्सेशन द वाइफ इज नॉट द ओनली हेयर, बच्चे भी होते हैं, माँ भी होती है, तो अगर आपको आपकी पूरी प्रॉपर्टी आपकी वाइफ को देनी है तो देयर हैज टू बी अ विल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अंकुश मोरे, मदर हैज मेड गिफ्ट डीड वेयर इन शी हैज गिफ्टेड हर 50% शेयर टू सन बट मेंशन गिफ्ट हर शेयर विद ओपन पार्किंग परचेज बाय हर, द पार्किंग एग्रीमेंट इज रजिस्टर्ड सेपरेटली इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल डीड and for registering it is shown as close parking. Society has objected that gift with parking illegally sold cannot be done. You submit modified gift deed, then only we will transfer our share in index 2. Transfer our share. In index 2, nothing is mentioned about parking. Is society right in taking the stand? Index 2 mein mention nahi hai, to society is right, I believe. Mr. Ankush More, you are online. Index 2, it is the page mentioned. Yeah, I am on the online. See, the properties were named father and mother, and both have gifted their share to the son. Father's gift deed, nothing has mentioned about parking. Mother's gift deed, mention has been made about parking. And builder has made an agreement of parking after society formations. And it is shown in that agreement, it is a closed parking, because otherwise it would not be registered. But then after society has contested that, not legally, they have taken all physical possession and written all to all the members that this parking is illegally, so we will, they have taken in possession. But still this gentleman, you know, that he has made a reference in the gift deed. The society has agreed to transfer 50% share. They are asking, telling the donee to get the correction in the gift deed. This is the society's stand is correct.
हेलो संदीप सर, इनका ऐसा इशू है कि मदर फादर की प्रॉपर्टी है. ओके मिस्टर अंकुश, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? आई विल एक्सप्लेन. आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. आई विल एक्सप्लेन योर क्वेश्चन टू संदीप सर. प्लीज सर. Property is standing in two names, mother and father. Mother has gifted her 50% share to son. Barabha. But mention her son or gift mein usne gift deed mein open parking mention kar diya hua hai. Unka kehna hai ki parking agreement is registered separately. And is shown as closed parking. Society has objected that gift deed with parking illegally sold. Correct. Okay. And society is saying कि parking का clause निकालो gift deed से तो ही हम ये transfer करेंगे share index to के साथ. मेरी understanding में society can't say for modified gift deed. Society may merely issue certificate for the flat only, not because even otherwise it's a common amenity. Suppose if it is not a flat in that sense, I mean the FSI consumed garage. Yes, so society sir. Will issue certificate for the flat only. It may not issue for the open parking. But can't there is no, because there is no shared certificate for parking spaces. Correct. Pro. The certificate is not there. Okay, so thank you, sir. But Mr. Ankush, I would like to add something here. Yeah, please. Parking jo space hai, it is a non-FSI space. True. It is not flat ka square, flat ka area mano 500 square feet hai. Yes, so आपके वो 500 स्क्वायर फीट बीएमसी के रिकॉर्ड में एफएसआई स्पेस कंज्यूम्ड है. यस सर. ठीक है ना. तो जो लेना बेचना होता है ना, गिफ्ट होना, ये होना, वो होना, वो सब सिर्फ और सिर्फ एफएसआई स्पेस का होता है. बाकी जो कॉमन एरियाज है, कॉमन एमिनिटीज है, उसका लेना बेचना इज नॉट पॉसिबल. यस सर. है ना. पर आपने मेंशन कर दिया हुआ है, वो भी एक गलत है ना. तो आप कभी रीडेवलपमेंट होगा तो आप ये क्लेम करेंगे पर पाएंगे कि मेरे एग्रीमेंट में तो पार्किंग स्पेस भी है तो मुझे उसका कंपनशिएट एरिया भी चाहिए. ये आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज सिंपली इट इज एन नॉन एफएसआई स्पेस. ओके. बट यू आर राइट कि गिफ्ट डेड के बेसिस पे आपका सोसाइटी का जो मेंबरशिप है रिलेटिंग टू दैट फ्लैट, सोसाइटी हैज टू ट्रांसफर इट. ओनली दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ द मेंबरशिप. इट इज नॉट ट्रांसफरिंग योर property. It is not transferring your not membership on. It is not transferring your parking area also. Thank you, sir. Yeah. Next question is by Lachu Rajwani. The lease of land and flat are two different views. Lease of land and flat are two different views. Please correct if I am wrong. I have not understood this question. Are you there online? राजवानी, लच्छू राजवानी. यस यस सर. अभी लीज डीड अलग है और अब लीज डीड महाड़ा का प्लॉट है उसमें फ्लैट अलग है. तो फ्लैट का महाड़ा में अगर फ्लैट होएगा तो उसका तो बिल हो सकता है ना. हाँ 100% हो सकता है. हाँ तो लीज डीड अलग है और लीज डीड पे अगर बिल्डिंग है, फ्लैट है किसी का, तो उसका तो हो सकता है ना. 100% बिकॉज वो जो लीज होती है माड़ा की या जिसकी कलेक्टर की भी होती है वो रिन्यूएबल होती है, वो ऑटोमेटिक रिन्यू होनी होती है. हाँ, तो फ्लैट का तो कर सकते हैं ना. 100% वो फ्लैट का ही कर सकते हैं. आप तो ओनरशिप खाली फ्लैट की है ना आपकी वैसे भी. हाँ, बराबर. अनदर क्वेश्चन बाय लाचू राजवानी इज कैन नॉमिनी बी ए कोर कमिटी, कैन ही साइन DA, development agreement. Can a nominee stand as a, can be, he has stand the election and he is opted for the chairman and one is secretary. Can they sign the development agreement? They are nominee. Probate abhi tak aaya nahi hai. Himan sir hi jawab denge. अभी जो नया अमेंडमेंट एक्ट निकला है 2019 का, एमसीएस अमेंडमेंट 2019, उसमें नॉमिनी को एक प्रोविजनल मेंबर का दर्जा दिया गया हुआ है और प्रोविजनल मेंबर को राइट दिया हुआ है कि वो इलेक्शन भी लड़ सकता है और वो कमिटी में भी आ सकता है, वो चेयरमैन भी बन सकता है इलेक्शन लड़ने के बाद में ऑफकोर्स, या वो कोऑप्ट भी हो सकता है. तो ही कैन बिकम ए चेयरमैन, ही कैन बिकम ए सेक्रेटरी, ही कैन बिकम ए ट्रेजरर एक्सेट्रा. चेयरमैन और ट्रेजरर अगर चेक में साइन कर सकता है
What about development agreement? Let me complete, sir. Thank you. So, अगर चेयरमैन सेक्रेटरी प्रोविजनल मेंबर है और वो अगर चेकबुक में साइन कर सकता है, आपके शेयर सर्टिफिकेट में ट्रांसफर एंडोर्समेंट कर सकता है, बाकी सब भी कर सकता है, तो ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू साइन द डेवलपमेंट एग्रीमेंट एज ए चेयरमैन, एज ए सेक्रेटरी. ही इज नॉट साइनिंग इट एज ए प्रोविजनल मेंबर. ही हैज गॉट नो राइट. अल्टीमेटली अगर वो नॉमिनी बोलता है कि मैंने तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया था, रीडेवलपमेंट के बाद में वो फ्लैट मेरा इसके लिए है क्योंकि मैंने साइन किया हुआ है, वो नहीं होगा, क्योंकि उसी एक्ट में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि वो प्रोविजनल मेंबर हमेशा के लिए बना रहेगा जब तक वो कोर्ट से जाके अपना सक्सेशन राइट्स का डिग्री नहीं लेके आता. डिग्री का मतलब हो गया जैसे सर ने बताया कि या तो आप एलए लेकर आओ, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आओ, या तो प्रोबेट लेकर आओ, या तो कोई एप्लीकेबल डिग्री होगा, कोर्ट डिग्री, वो लेकर आओ. तब तक उसका राइट सस्पेंडेड एनिमेशन में बना रहेगा. बट टू आंसर यू, ही इज एंटाइटल्ड टू साइन द डीए इन द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मैनेजिंग कमिटी मेंबर और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, नथिंग बियॉन्ड दैट. इट इज लाइक फॉर मी इट इज ए विचित्र प्रोविजन ऑफ लॉ दैट दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज गिवन, बट इट इज ए प्रोविजन ऑफ लॉ. हेमंत मीर जी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है. वी विल टेक अप टू थ्री मोर क्वेश्चन देन वी विल कंक्लूड बिकॉज वी आर नियरिंग अवर क्लोजर टाइम ऑफ 9:30. हेमंत सर का ये क्वेश्चन है कि वंस ए एलओए इज सबमिटेड, डज दैट एप्लीकेंट हैव टू अंडरटेक ऑल अदर फॉर्मेलिटीज, पुटिंग अप एडवर्टाइजमेंट्स, नो नोसी टू न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह, ऑब्जेक्शंस, प्रिपेयर रिलीज डीड, indemnity bond? Not at all. Society ne apna extraordinary demands rakhe honge inke shayad case mein. LOA mein sab ye sab cover ho jata hai, jo bhi objections wagaire hote hain, heads ke sab aa jate hain usme. So the conclusive answer for Hemant Mirji is LOA, that is LA, is a conclusive degree granted by High Court. It is irrefutable. It is final for all legal purposes. उसके बाद में आपको और कोई documentation prepare करने की जरूरत नहीं है. Correct, sir. Yes, sir. एक question is by Vanita Nadar. Husband earned property title in wife's name. Wife was not working till yet. Husband died intestate. Does wife not earned herself make give it to one daughter without concerning other siblings? There is no family settlement, no waiver of any NOC from other siblings. Can objection be raised by other siblings? ये question हम थोड़ी देर पहले ले चुके हैं, शायद इन्हीं का था या similar था. Right. मतलब husband ने अपनी बीवी के नाम पे property खरीदी हुई है totally. Yeah. और husband गुजर जाता है और mother क्या वो gifted किसी को भी कर सकती है, खाली अपने एक बच्चे को कर सकती है या बाकी को करना जरूरी है, या किसी का कंसेंट या एनओसी लेने की आवश्यकता है? मेरे सबसे प्रॉपर्टी वो मदर की है, कंसिडरेशन परचेज प्राइस हस्बैंड ने दिया हो, शी हैज फुल राइट टू डिस्पोज ऑफ इन व्हाटएवर मैनर शी फील्स लाइक. वी हैव गॉट अ क्वेश्चन बाय शिल्पा पड़ते. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट रिलीज डीड? रिलीज डीड मींस सपोज अ फ्लैट इज there are four legal heirs of a deceased member and they have each of 25% share. So there are suppose two daughters and three daughters and one son. One son is residing in the flat and yet three married daughters are there of the deceased father. So there could be a possibility where the daughters would release her rights in favor of that his brother, so that his title becomes perfect 100%. So release deed is a releasing of your rights in favor of someone, your close relatives. So if the rights are released in favor of specified persons, then it attracts a very nominal stamp duty of say rupees 200 or something like that. Otherwise, even if you gift it, the stamp duty is huge of some 3%. Except if the gift is in favor of some close relatives nowadays.
the gift, the stamp duty is 200 only. Similarly, in release deed also, if you release your rights, it's a kind of, it's a second name of kind of a gift. Gift can be made to any person. Release is ordinarily in favor of your close relatives, your rights over the property. Sir, in Maharashtra, release deed pe stamp duty is 500 rupees and registration fees is 1000 rupees, provided the release deed is without any monetary consideration and it is in favor of its own class one legal heirs. सर इसमें और कुछ कंडीशंस भी है जैसे इट शुड बी ऑफ रिलीज ऑफ एंसेस्ट्रल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और स्पेसिफाइड रिलेशंस है जैसा आपने क्लास वन एयर का फैमिली मेंबर्स. यस ओके एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन. देयर इज वन क्वेश्चन पेंडिंग ऑफ मिस्टर विक्रांत जिंदल बट बिफोर दैट एनी अदर क्वेश्चंस बाय एनीबडी एल्स प्लीज. सर आई हैव हु इज इट प्लीज. सर शिवानी. Okay, madam. Go ahead. Please be in brief, madam. Yes, sir. Four sons. Mother के नाम पर एक flat था. उनके चार बेटे और एक बेटी थी. Mother expire हो गई 1987 में. And एक बेटे ने A एक बेटा था. एक बेटे ने और एक बेटी जो थी, उन दोनों के नाम पर flat चढ़ गया. And अभी 2019 में वो बेटी की death हो गई. 2020 में भी वो जो sir थे, सन ए था, उसकी भी डेथ हो गई. एंड बी सन, उसकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, ही हैज नो कंसर्न विद द प्रॉपर्टी. सी सन की डेथ 2020 में हुई दुबई में, उसकी फैमिली वहां से यहाँ पर इंडिया में शिफ्ट हो गई 2020 में ही. नाउ उस फ्लैट के अंदर वो 2020 में जो दुबई से सन सी की जो फैमिली आई थी, विडो मदर, उसका एक बेटा जो कि इयरिंग प्रॉब्लम है उस बेटे को, और उसकी बहू, ये तीन लोग एक कमरे में रहते हैं. एंड जो फोर्थ सन है, जो मदर का फोर्थ सन सन डी, जो कि एक ही जो बेटा बचा था, वो एक कमरे में रहता था और ये एक कमरे में और किचन शेयर होता था. पीछे से जाकर के वो सन डी ने अपने नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा लिया है कैंटोनमेंट में जाकर के. अभी जब ये पता चला तो काफी लेट हो चुका था, क्योंकि मार्च में उनके नाम पर ट्रांसफर हो चुका है 2021 में. And this lady came to know this month only कि उनके नाम पर वो ट्रांसफर हो चुका है. Now she is very much worried कि पीछे से अगर वो फ्लैट बेच देता है तो उसके पूरे राइट्स चले जाएंगे. तो what options she has and ये सही हुआ है या नहीं हुआ है? हेमंत सर, मैं briefly एक बार कुछ कहूंगा, उसके बाद में आप थोड़ा सा उसको extend करिएगा, complete करिएगा. See, insofar as cantonment is concerned, what I understand is cantonment is many other functions apart from, जैसे पुणे में cantonment है, इट डिस्चार्जेस म्यूनिसिपल फंक्शंस. जैसे यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का असेसमेंट होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, उसका एक रिकॉर्ड है, 7-12 जैसे म्यूटेशन होते हैं. तो ये जो कंटोनमेंट में, इट डजंट कन्फर्स एनी टाइटल, इट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट टैक्सेस. सो नाम पे उसका हुआ है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है उसके नाम पे. हेमंत सर मुझे कन्फर्म करेंगे. संदीप सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यहाँ पे प्रश्न फिर से वही घूम फिर के आता है कि आपने ट्रांसफर अगर करा भी लिया हुआ है तो कोई पेपर पब्लिकेशन, कोई एफिडेविट, कोई इंडेमनिटी बॉन्ड, इन अदर वर्ड्स ये सब चीजों से करवाया है या आपने कोई टाइटल डीड से करवाया है? सर, वो टाइटल डीड का दिसंबर में दिया गया था, पेपर नोटिस. हाँ, पेपर नोटिस दिसंबर में दिया गया था. लेट मी कंप्लीट. अभी ट्रांसफर यूजुअली कई जगह पे कैसे होता है कि पेपर नोटिस दे दो, उसका एफिडेविट ले लो, एफिडेविट में लिखता है कि मैं खरा हूँ, मैं खोटा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, वगैरह वगैरह सेल्फ डिक्लेरेशन करता है. और वो सोसाइटी जो है वो बोलती है ठीक है ठीक है, मैं तुमको 25 साल से जानता हूँ और मैं तुमने जो लिख कर दिया वो बेसिस में तुम्हारा मैं ट्रांसफर कर देता हूँ. अब वो क्या ट्रांसफर कर रहा है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, या वो मूवेबल शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर रहा है उस मेंबरशिप का, सोसाइटी के मेंबरशिप. तो टू ट्रांसफर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी यू रिक्वायर फ्यू डॉक्यूमेंट्स विदाउट विच द टाइटल ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी विल रिमेन नल एंड वॉइड. अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, जैसे आपने अगर बिल्डर से खरीदा तो वो सेल डीड बना के देगा, ठीक, वो एक टाइटल ओनर का डीड हो गया. जिंदा रहते रहते माँ बोलती है कि मैं अपने बेटे को मेरा प्रॉपर्टी में गिफ्ट कर देती हूँ,
आधा गिफ्ट करती हूँ या 1% करती हूँ या 99% करती हूँ या 100% करती हूँ, पर वो गिफ्ट डीड है, टाइटल डीड है। गुजरने के बाद में माँ बोलती है, माँ गुजर जाती है और हो सकता है कि शायद उसे विल ना बनाया हुआ हो या विल बनाया हुआ हो, और उसके चार बेटे हैं, चारों बेटे ये बोलते हैं कि भाई माँ गुजर गई है, उसने वसीयत बनाई नहीं है, तब हम अपनी इस प्रॉपर्टी का क्या करें। तो हम आपस में सलाह मशवरा करते हैं, एमिकेबल सेटलमेंट करते हैं, या तो हम वो फैमिली सेटलमेंट डीड बनाते हैं, तो ये बोलते हैं, तीन जन ये बोलते हैं कि भाई हम तीन जन को ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मेरा जो 25-25-25% हिस्सा है माँ की प्रॉपर्टी में, क्योंकि चार बेटे हैं, चारों का 25-25% हिस्सा हिंदू सक्सेशन एक्ट में ऑटोमेटिकली कायम हो गया उसका, अगर माँ ने विल नहीं बनाया है तो। ठीक है, तो तीन बेटा, तीन बच्चे बोलते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी 75% हमारी जो है तीनों, ये तू ले ले, तेरे नाम पे कर देते हैं। अब उसको करने के लिए उसको प्रॉपर रिलीज डीड का कैटेगराइज करना पड़ेगा। ओके, कि मेरे को मेरा ये परमानेंट हक में तेरे फेवर में छोड़ देता, तो चारों फेवर के चारों तीनों जन चौथे वाले के फेवर में हक में छोड़ देते हैं। उस रिलीज डीड को स्टैम्प ड्यूटी पे करना और रजिस्टर करना, एटलीस्ट मुझे ये जानकारी है, महाराष्ट्र में मैंडेटरी है। अगर वो मैंडेटरी है तो एक डीड बन जाता है, टाइटल डीड बन जाता है। इसके मतलब वो जो चौथा आदमी है वो उस प्रॉपर्टी का टाइटल ओनर बन जाता है। आपने जो बताया कैंटोनमेंट पे, कैंटोनमेंट एरिया में अगर उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है बाय वर्च्यू ऑफ पेपर नोटिस या एफिडेविट या इंडेमनिटी बॉन्ड या और कोई प्रोसीजर से, टाइटल ओनरशिप नहीं मिलेगा उसका मैडम। तो वो उसके प्रॉपर्टी के लिए आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन एब्सेंस ऑफ विल और इन प्रेजेंस ऑफ विल कोर्ट प्रोसीडिंग्स करो, या तो आपसी सहमति में रिलीज डीड कर लो, रिलिंक्विशमेंट डीड, रिलीज डीड, या तो फैमिली सेटलमेंट डीड करो, तो ये प्रॉपर्टी टाइटल फ्री हो सकती है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ वी विल कंक्लूड ऑल द क्वेश्चनर्स फ्रॉम माय एंड। देयर वाज अ क्वेश्चन बाय विक्रांत जिंदल साहब। विक्रांत जी, इफ यू आर देयर। यस सर, आपने लगता है थोड़ा 90% एक्सप्लेन कर ही दिया। वही मेरा प्रश्न था कि जो जरा कंफ्यूजन था, सोसाइटी ट्रांसफर करते मेंबरशिप एंड टाइटल ओनरशिप, 50% 90% आपने एक्सप्लेन कर ही दिया, इनको जो समझा रहे। अभी जैसे मैंने बताया कि टाइटल ओनरशिप का डॉक्यूमेंट क्या चीज है, वो आपको मैं बता चुका हूँ, सब लोग सुन चुके हैं। अब सोसाइटी में देर आर टू टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, टिपिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोसाइटीज। अगर आप रूल 10(5)(a) पढ़ेंगे, एमसीएस एक्ट, एमसीएस रूल 5, एमसीएस रूल 10(5), उसमें तीन टाइप की सोसाइटीज कैटेगरी। एक तो है वो टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी। अब टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी में क्या क्या आ गया, जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये म्हाड़ा सोसाइटीज है, सिडको है, हाउसिंग बोर्ड की सोसाइटीज है, वगैरह वगैरह, ये सब टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटीज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सोसाइटी ने म्हाड़ा को अप्रोच किया, साहब मुझे 5,000 square feet की जमीन दो, मुझे अपनी बिल्डिंग बनानी है और ये हमारे मेंबर की लिस्ट है। इन अदर वर्ड्स वो मेंबर पहले से तैयार है, एक सोसाइटी पहले से तैयार है, फिर बाद में सोसाइटी पैसा जमा करेगी, जो भी कुछ करेगी, बिल्डिंग बनाएगी और फिर अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को वो फ्लैट अलॉट करेगी। प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटिंग ए सेल डीड विथ योर एग्जिस्टिंग मेंबर, दे आर गोइंग टू बी इश्यूइंग यू ओनली allotment letters for your flats, never a sale deed. अगर आप कोई भी ओरिजिनल महाड़ा का प्रॉपर्टी और उसके ऑक्यूपेंट को देखेंगे तो उनके बीच में अलॉटमेंट ही डीड होगा। सब्सिक्वेंट ओनर्स टिपिकली दे एग्जीक्यूट ए सेल डीड, बट फॉर दैट दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम महाड़ा, उनका प्रीमियम भरना, नजराना भरना, जो भी हरजाना बोलते हैं वो सब भरना है, तब जाके उनके रिकॉर्ड में अनिल शर्मा के जगह में अब सुनील शर्मा का नाम चढ़ेगा। तो ये हो गया टीपी एक्ट 10(5)(a) के अंदर में, 10(5)(2) रूल 10(5)(2) में। अब दूसरा सोसाइटी क्या हो गया, टेनेंट ओनरशिप सोसाइटी। टेनेंट ओनरशिप सोसाइटी कौन सी है कि भाई जिंदाल बिल्डर्स ने एक जमीन खरीदी हुई है, उसमें उसने 25 माले की बिल्डिंग बनाई और वो 250 फ्लैट बनाए उसने, तब तक सोसाइटी नहीं थी, क्योंकि वो सोसाइटी कभी फॉर्म कर सकता है जब सारे फ्लैट कम से कम 60% फ्लैट उसके बिक जाते हैं, तब वो सोसाइटी फॉर्म करता है।
तो वो जाके सोसाइटी रजिस्टर करता है, खुद को चीफ प्रमोटर बनाता है और लोगों को प्रमोटर बनाता है। सोसाइटी बाद में रजिस्टर होती है, मतलब फ्लैट खरीदने के बाद में। फ्लैट खरीदने का मतलब क्या है कि सेल डीड ऑलरेडी मौजूद है, तो सेल डीड है वो टाइटल डॉक्यूमेंट हो गया। अब सोसाइटी बन गई, आपने बना दिया सोसाइटी, आपने बना दिया। अब सोसाइटी बनने के बाद में सोसाइटी क्या बोलती है, बिल्डर ने आपसे 250 रुपए ले लिया शेयर कैपिटल का, एंट्रेंस मनी भी ले लिया, बाकी चीजें भी ले ली, ट्रांसफार्मर का पैसा ले लिया वगैरह वगैरह वगैरह। अब सोसाइटी आने के बाद में बोलती है कि भाई आप सब लोग का डेटा हमारे को बिल्डर से मिला हुआ है, यू आर द फ्लैट ओनर्स, यू आर द फ्लैट ओनर्स, सोसाइटी इज नॉट द फ्लैट ओनर ऑफ योर फ्लैट, प्लीज रिमेंबर दैट, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस इट इज पॉसिबल दैट द सोसाइटी बिकम्स द ओनर ऑफ योर फ्लैट, देयर इज नो सच एग्रीमेंट। Now, when the society comes into being, it issues a share certificate. वो share certificate की कीमत क्या है? 250 रुपए है, 500 रुपए है। Now the question arises is, do you have, as a flat owner, do you have the option of becoming the society member, or can you say bluntly, कि sir, I do not want to be your society member? Is this a fact or not fact? The clear answer is, कि I am the one who has to decide, कि I want to be your member. Or I do not want to be your member. There is no compulsion. It is a voluntary membership in a housing society. Please remember that. So hence, if the society is not the owner of your flat, what are you? You are only a member of the society by virtue of your 250 rupees or 500 rupees. कल आप member बन भी जाते हो, साल भर के बाद में if you are dissatisfied with your society, मैं बोल रहा हूँ आप सब दिन चोर उचक्कों की तरह society चला रहे हो, हिसाब किताब नहीं दे रहे हो, मेरा पैसा खाए जा रहे हो, मेरा सिंकिंग पर बर्बाद करे जा रहे हो, कोई भी एक्सक्यूज ले सकते हो। तो आर यू एंटाइटल्ड टू रिजाइन फ्रॉम योर मेंबरशिप ऑफ योर सोसाइटी? द क्लियर आंसर इज यस। इज देयर इज अ प्रोविजन अंडर द एमसीएस एक्ट टू रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी? द आंसर इज यस, देयर इज अ प्रोविजन टू रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ योर सोसाइटी। सोसाइटी से मेंबरशिप के रिजाइन करने के बाद में क्या वो फ्लैट सोसाइटी हड़प ले सकती? नॉट पॉसिबल सर, बिकॉज यू आर द टाइटल ओनर। You are the title owner of by virtue of what? The title owner of by virtue of transfer of property act. कि builder ने अपनी property आपको बेच दिया by virtue of a stamp duty paid agreement, by virtue of a registered agreement, and further, बहुत बड़ा magic है कि constitution में article 300A के under में आपकी property आपका अगर buy किया हुआ है, तो even supreme court also cannot tell you ये हड़प नहीं सकती वो property. It is a simple fact unless and until you are a defaulter of several government dues, तो कुड़की लगा के, जो ऑक्शन लगा के आपकी प्रॉपर्टी हड़प सकती है। पर उदाहरण के तौर पे आपका 50 करोड़ का ड्यूज बाकी है जीएसटी में, प्रॉपर्टी आप ही की है, जीएसटी आपको नोटिस देगा कि भाई 50 करोड़ भर दो, नहीं तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी, आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, वो अटैच कर सकती है, ऑक्शन कर सकती है। सेम विद इनकम टैक्स ऑल्सो एंड सेम टू सेम विद सोसाइटी ऑल्सो। मानो आपकी प्रॉपर्टी का कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए और साइमल्टेनियसली आपने सोसाइटी का 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग जमा कर लिया हुआ है किसी कारण, सोसाइटी आपको नोटिस देगी, रिकवरी प्रोसीडिंग्स करेगी, रिकवरी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऑक्शन प्रोसीडिंग करेगी और आपका फ्लैट सेल कर देगी। फ्लैट सेल कर देगी मतलब वो अपने खुद को सेल नहीं कर सकती, उसमें वैसे वाला प्रोविजन नहीं है अभी तक, लेकिन वो और किसी को भी ऑक्शनर सेल करेगा, वो प्रॉपर्टी का पैसा आएगा सोसाइटी में जमा हो जाएगा, अगर कुछ बचा हुआ पैसा है तो वो आपको भी दिया जाएगा। तो आपको क्यों दिया जाएगा? बिकॉज यू आर द टाइटल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सो हेंस टाइटल ओनरशिप आर इज समथिंग डिफरेंट एंड सोसाइटी मेंबरशिप इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। सो आई कैटेगरीली स्टेट राइट नाउ वंस अगेन कि इवन इफ यू आर ए मेंबर ऑफ योर सोसाइटी, यू हैव गॉट एवरी राइट, 1000% राइट टू रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ योर सोसाइटी। सो गो टू हेल, आई डू नॉट बॉदर अबाउट योर मेंबरशिप, येट यू कीप ऑन having the right to remain in the society, stay in your flat, and the society becomes bound to you to provide you basic services. But not being a member will only deprive you of certain things, which are very, very insignificant according to me. क्या चीज़ है वो? भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता सोसाइटी का, क्यों? क्योंकि मैं बोनाफाइड मेंबर नहीं हूँ। इलेक्शन सिर्फ वही लड़ सकता है जो सोसाइटी में जिसका आई रजिस्टर में उसका नाम हो, वही लड़ सकता है इलेक्शन। अगर आई रजिस्टर में किसी कारणवश नाम नहीं चढ़ा हुआ है कट ऑफ डेट तक, और फिर भी आप ओनर भी हो और फिर भी आप मेंबर है लेकिन आई रजिस्टर में नाम नहीं है, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर जब वो चेक करने आता आई रजिस्टर और वो देखता है कि अनिल शर्मा का तो नाम नहीं है, तो बोलेगा नो, ही इज नॉट एन एलिजिबल कैंडिडेट। ओके, सो टाइटल ओनर ऑफ द फ्लैट व्हेन नॉट ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ही कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस,
he cannot be a managing committee member, obviously, क्योंकि election नहीं है, तो वो कॉप्ट भी नहीं हो सकता है. वो आपका AGM और SGM और मैनेजिंग कमेटी मीटिंग या कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है. और बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग फंक्शन है ऑफ द सोसाइटी, उसमें वो भाग नहीं ले सकता है. लेकिन क्या वो पार्क कर सकता है? यस, ही हैज अनडिवाइडेड शेयर इन द होल प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी. 100 फ्लैट बने, जमीन 100 स्क्वायर फीट की, उसका 1 स्क्वायर फीट का हिस्सा उसका पक्का है उस जमीन के ऊपर, अनडिवाइडेड शेयर है. देर आर सेवरल हाई कोर्ट जजमेंट्स ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर थिंग. जिंदल साहब, आप खुद लॉयर हो, मेंटेनेंस फ्लैट ओनर भरेगा, बिकॉज यू आर एंटाइटल्ड टू ऑल द सर्विसेज दैट आर अवेलेबल इन द सोसाइटी. यू डू नॉट डिराइव एनी राइट एज मेंबरशिप, यू कैन नॉट डिमांड एनीथिंग एज मेंबरशिप, बट एज ए फ्लैट ओनर यस. आप ऑलरेडी ये नहीं बोल सकते कि मैं कचरा नहीं उठाऊंगा या पानी नहीं दूंगा या बिजली नहीं दूंगा. नहीं हेमंत सर, अगर आप विड्रॉ करते मेंबरशिप एंड यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, देन हाउ कैन सोसाइटी बिल यू? दे कैन बिल यू. देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ दिस थिंग, सेवरल इंस्टेंसेस, नॉट वन. आपके सोर्स, आपने जिंदल साहब ने 100 फ्लैट की एक बिल्डिंग बनाई, उसमें से 70 फ्लैट बेच दिए, 30 फ्लैट अभी अपने पास ही रखा हुआ है. They are not members of the society. It is classified as unmember. I mean, it's classified as unsold property. Lekin society will build that after the OC date or of the position date. There are several such instances. Can I ask one question, Mr. Hemant? Nigam, Mr. Nigam. Yes, go ahead, please. Yeah. Ek cheez clear nahi hai. Agar nomination hai, society nominations hai, proper nomination hai, to phir bhi जो हायर है उनको कोर्ट जाना पड़ेगा या सोसाइटी में क्लियर हो जाएगा? सर, नॉमिनी का मतलब क्या है कि जो फ्लैट ओनर था, जो टाइटल ओनर था, उसने अनिल शर्मा को बोला, नॉमिनेशन आप किसी को भी बना सकते हो, आपको ये जानकारी हो चुकी है शायद. हाँ. है ना, आपके फ्लैट की, निगम साहब के फ्लैट की नॉमिनेशन आप मेरे नाम पे भी कर सकते हो, वो दूध वाले के नाम पे भी कर सकते हो. वो मैं आपका लीगल हायर नहीं हूँ, नाइदर वो दूध वाला आपका लीगल हायर है. तो आप समझ गए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर ठीक से, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे. सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा या लेटर ऑफ, अगर नॉमिनी लीगल हायर है, क्लास वन लीगल हायर है, है ना, जैसे उदाहरण के तौर पे वो पान वाला है, वो लीगल हायर नहीं है. नहीं, सपोज करिए मेरा केस मेरा बेटा है, बेटे को क्या लाना पड़ेगा? अगर बेटा है और नॉमिनी है, तो अगर आपने वसीयत बना के आप गुजरे हो, तो उसको प्रोबेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड योर प्रॉपर्टी इज इन मुंबई ज्यूरिसडिक्शन. हाँ, अच्छा, प्रोबेट. और अगर आपने विल नहीं बनाया हुआ है और आदमी बिगर विल के गुजर जाता है, तो आपके बेटे को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. एलए का भी एक सिंपल प्रोसेस है, आप बताओ कि आप कौन हो, क्या हो, क्या प्रॉपर्टी है, क्या वैल्यूएशन है वगैरह वगैरह, आपके कितने वारिसदार हैं, बाकी के कंसेंट लगा दो उसके अंदर कि ठीक है भाई, इसको पहले देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है. नहीं, पहले ले आओ, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा लो. अगर ओनली सन है, अगर ओनली सन है, फिर भी को नो ऑब्जेक्शन कुछ लाना पड़ेगा? निगम साहब, एक थोड़ा सा विचित्र चीज बताता हूँ मैं आपको, मैं एक्चुअली थोड़ी देर पहले बोल भी चुका हूँ. आप कहते हैं आपका ओनली सन है, ओके, ये सिर्फ आप ही को पता है? हाँ जी, ठीक है. अभी अगर मैं ये कहूँ कि क्या बेटू, एक और सन भी है, एक और आदमी आ जाता है, बोलता है मैं भी इसका बेटा हूँ, तब क्या होता है? इसका नक्सल मतलब कोर्ट से प्रोबेट करवाना ही पड़ेगा. यस, जब आप कोर्ट से डिग्री ले आओगे, सो देन दैट बिकम्स इरिफ्यूटेबल एंड फाइनल. आप कह रहे हो कि आपकी आपकी एक ही वाइफ है ना, हम कहते हैं कि मेरी एक वाइफ है, दूसरी वाइफ भी हो सकता है. कभी कई लोगों के अफेयर चल, आजकल तो कॉमन चीज हो गई है, अफेयर चलता है, और उसके जो बच्चे होते हैं सेकंड बीवी के, आपको जानकारी में होना चाहिए कि अगर सेकंड बीवी के बच्चे हैं, तो उसका उतना ही और बराबर हिस्सा वो हिस्सेदार बन जाता है, जैसे कि आपके ओरिजिनल बीवी, फर्स्ट बीवी के बच्चे. आप हिंदू है तो हिंदू हिंदू फर्स्ट है वो लीगल बीवी है, हिंदू की बीवी सेकंड जो है वो इलीगल बीवी है, लेकिन सेकंड बीवी के बच्चे लीगल है, 10% लीगल है. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, दिस प्रोबेट विल बी
फॉर वन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑल ओवर इंडिया प्रॉपर्टी? प्रोवाइड का अर्जी दोगे तो उसके अगर आप जो भी प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर घर में एक पेन पड़ा हुआ है और अगर आप बोलते हो कि इस पेन का आप मालिक हो तो वो भी इंक्लूड करिए आप, क्योंकि उसमें इनकम टैक्स के बेनिफिट आते हैं। दिल्ली में कुछ अदर एरियाज में तो दिस विल बी वैलिड ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया सर, ऑल ओवर इंडिया। और जैसे क्या होता है कि आपके बेटे ने बोला कि मेरे ये फादर के पास में ये पांच प्रॉपर्टी है, मैं इसका प्रोबेट लेके आता हूँ, और वो प्रोबेट लेके बाद आने के बाद में अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे चढ़वा लेता है, सब कर लेता है। अब वो जो पांच प्रॉपर्टी है वो तो उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना है या नहीं करना है? हाँ करना है। चलो ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आप ये कहते हो कि सर मेरी तो पांच प्रॉपर्टी थी लेकिन मेरे पांच प्रॉपर्टी और भी कंसील्ड है, या बेटे ने जानबूझ के प्रोबेट के टाइम पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, तो पांच प्रॉपर्टी का प्रोबेट ले आया, बाकी पांच प्रॉपर्टी भी उसने अपने नाम पे जैसे तैसे करके चढ़ा ली, और वो पांच प्रॉपर्टी जो प्रोबेट में नहीं है अब वो इनकम टैक्स में कैसे डिक्लेयर करे? वो चीज प्रॉपर्टी तो दीनानाथ निगम के नाम पे है, है ना, वो अनिल दीना निगम के नाम पे कैसे पहुंच गई? तो जब वो प्रॉपर्टी बेचने जाएगा तो उसको टैक्स इम्प्लीकेशन होगा या नहीं होगा? उसकी इनकम टैक्स रिटर्न में तो वो प्रॉपर्टी मेंशन ही नहीं है, तो उसको पूरा का पूरा ही कैपिटल गेन्स लगना है। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि मेरे पास अगर एक पेन भी है और मेरे जानकारी में है तो सब ले लो, उसके अंदर एक छोटी सी अंगूठी है तो भी ले लो, तो उसमें कोई टैक्सेशन नहीं आएगा। अगर प्रोबेट के थ्रू मिलती है प्रॉपर्टी तो देयर इज नो टैक्सेशन। प्रॉपर्टी जो वारिसदार के हिसाब से आती है उसमें कोई टैक्सेशन नहीं है। ठीक है, वो दैट इज अ गिफ्ट से बेटर है। देयर इज अदर टेक्निकल ट्विस्ट आल्सो कि मानो वो बीवी उसके आ गई, अनिल की बीवी आ गई, वो बोलती है नहीं मेरा तो इसके प्रॉपर्टी पे हक है वगैरह करके, है ना, तो ये प्रोबेट डिग्री उस समय काम आता है ये बोलने के लिए भी नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये मेरे प्रॉपर्टी मेरे पिताजी की है। तो प्रोबेट के लिए क्या लोकल कोर्ट चलता है या हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है? कुछ शहर एरिया में हाई कोर्ट है, जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे जो पता है, मैं मुंबई का हूँ, मुझे पता है कि मुंबई जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर इमोबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए मुंबई हाईकोर्ट लगेगा। सिमिलरली सक्सेशन एक्ट के पैरामीटर्स के अंतर्गत तीन और हाईकोर्ट को डेलीगेट किया हुआ है, जैसे एक मुंबई हो गया, एक मद्रास हाईकोर्ट हो गया और एक कलकत्ता हाईकोर्ट हो गया, और बाकी के लिए अपना सिविल कोर्ट्स वगैरह में आप ये करा सकते हो। संदीप सर थोड़ा सा इसमें आप दो लाइन और बोल रहे तो बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एप्लीकेशन होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एप्लीकेशन नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जैसे मेरी प्रॉपर्टी लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है, अगर आपकी प्रॉपर्टी बॉम्बे में है तो आप सब प्रॉपर्टीज ऑल ओवर इंडिया की एक ही प्रोबेट में इंक्लूड कर सकते हैं, एक ही स्मॉल स्टेशन लखनऊ से ला सकते हैं प्रोबेट। लखनऊ में भी एप्लीकेशन कर सकते हैं वहां पे अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो, और वो अगर बॉम्बे की प्रॉपर्टी इंक्लूड वहां पे भी कर सकते हैं, मतलब कोई स्मॉल कोर्ट में चल सकता है काम। हाँ यस यस करेक्ट, यहाँ हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां स्मॉल कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट में जरा तकलीफ भी होती है, इजी नहीं है, इसलिए जहाँ छोटी जगह है वहां से ले लिया जाए प्रोबेट। हाँ ले सकते हैं आप, यस वैलिड ऑल ओवर इंडिया। हाँ हाँ यस ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू चलिए ओके। एनीबॉडी हैविंग एनी अदर क्वेश्चंस और शैल वी कंक्लूड प्लीज? So one more, I'm Dhanya here. Can I? Just a small one. Okay. Yeah, see, in case of a redevelopment property and the owner is unable to travel if any meeting has been arranged, so the wife or the daughters or sons can attend the meeting. So in that case, authority letter is the only thing we can give, or we need anything else to submit? मैडम आपने ये कहा कि आदमी बाहर है, रीडेवलपमेंट मुंबई में हो रहा है, आदमी लखनऊ में है, वहाँ से वो अथॉरिटी लेटर देके मीटिंग अटेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है, करेक्ट? मतलब वो आदमी ठीक नहीं है या नहीं आ सकता है किसी वजह से, तो उनका नॉमिनी भी नहीं आ सकता है, तो क्या उनका बच्चे लोग, चिल्ड्रन हु कैन रीच, उन लोग जा सकते हैं क्या? बट उसके साथ कोई अथॉरिटी लेटर चाहिए क्या, या व्हाट काइंड ऑफ परमिशन इज रिक्वायर्ड? टिपिकली कैसा है कि सोसाइटी में सिर्फ मेंबर
उसके ज्वाइंट मेंबर, उसका एसोसिएट मेंबर और उसका प्रोविजनल मेंबर ही अटेंड कर सकता है। पर अगर किसी कारणवश ऐसी स्थिति में, देयर इज अ टेक्निकलिटी इन दिस थिंग, अगर ऐसी स्थिति में मानो एक आदमी लखनऊ में बैठा हुआ है और वो बोलता है मेरी ऐसी परिस्थिति है, व्हाट ही कैन डू, ही कैन पुट अप एन एप्लीकेशन टू द सोसाइटी कि आई एम सेंडिंग माय रजिस्टर्ड पीओए इन फेवर ऑफ दिस पर्सन, ही मे बी अलाउड। टिपिकली द सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू अलाउ, सो फर्स्ट यू अप्लाई टू द सोसाइटी, मेक एन एप्लीकेशन, लेट द सोसाइटी पास द टाइम और से आई एम नॉट अलाउिंग इट, देन यू अप्लाई टू द डिप्यूटी रजिस्ट्रार कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, द डिप्यूटी रजिस्ट्रार हैज अथॉरिटी टू डायरेक्ट द सोसाइटी टू अलाउ हिम टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग प्रोवाइडेड देर इज ए रजिस्टर्ड पीओए पावर ऑफ अटॉर्नी। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल लेकिन दिस इज पॉसिबल। नो, एक्सेल सर्टिफिकेटेड अथॉरिटी लेटर से नहीं काम चलेगा, ओनली फॉर वन मीटिंग आल्सो पीओए मैडम, पावर ऑफ अटॉर्नी, रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी। अच्छा, थैंक यू सर। हेमंत जी, एक डाउट और निकलता है, एक डाउट और होता है, उसके वारिसदार है उसको कोर्ट जाना ही पड़ेगा, मतलब कोर्ट का समाधान नहीं हो रहा है। समाधान के लिए नॉमिनेशन नहीं बनाया हुआ है सर जी, आपके समाधान के लिए नॉमिनेशन नहीं बनाया हुआ है, नॉमिनेशन सोसाइटी के, यानी वो 0.10% भी सर अपना सर नहीं करता है। हम लोग इतना वेटेज देते हैं, नॉमिनेशन करो नॉमिनेशन करो, बस का कोई वेटेज नहीं है। नहीं, वेटेज क्या चाहते हैं आप? क्या आप चाहते हैं कि आप वो दूध वालों को नॉमिनेट कर दें और आपके बच्चे नॉमिनी बोलता है बाद में कि भाई मैं तो नॉमिनी हूँ, और जैसे टिपिकल यार सोसाइटी में समझते हैं कि मैं तो नॉमिनी हूँ इसका मतलब मैं मालिक हो गया प्रॉपर्टी का, तो वो नॉमिनी आके आपके आपके बाकी वारिसदार को बोलेगा कि भाई चलो खाली करो, तुम्हारे पिताजी ने तो मुझे नॉमिनेट किया, अभी मेरा ही सारा हक हो गया। आप ये समझते हैं नॉमिनी का मतलब? गलत है वो सर। नहीं, नॉमिनी का मतलब क्या है? टेम्पररी केयर टेकर। नॉमिनी इज मेंट टू लुक आफ्टर योर अफेयर्स of the society only for limited purposes, he does not derive any right to stay in the in your property. जो हम लोग एक्सेस करते हैं नॉमिनेशन का फॉर्म, देखिए कितना परसेंट ऑफ शेयर उसके नाम पे मैं करता हूं। ओके, he does not say टाइटल ओनरशिप कितना करता हूं। नहीं, जैसे तो कल वो दूध वाला आपका प्रॉपर्टी हड़प करने आ जाएगा नॉमिनेशन के फॉर्म के बेस में बेस पे। और सर इस पे तो इवन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी मौजूद हैं, थोड़ा सा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा सर आपको। चलिए, यानी अल्टीमेटली कोर्ट जाना पड़ेगा, भर कोर्ट जाए ट्रांसफर नहीं होगा। प्रॉपर्टी आपकी अगर 1 करोड़ की है सर, तो देर इज एब्सोल्युटली नो हार्म इन स्पेंडिंग 1 लाख और 2 लाख और इवन 5 लाख रुपीज। हाँ, वो गोइंग टू द कोर्ट एंड सेविंग योर प्रॉपर्टी ऑफ 1 करोड़ रुपीज। मगर ये सोचे कि नॉमिनेशन का कर दिया, वो फॉर्म फुकट में भर दिया, बायलॉज में 50 रुपए का पर फॉर्म है, उसे करके ये सारा हो गया, तो मैं ये कहता हूं कि अगले दिन सोसाइटी का, आपको पता है एमसीएस एक्ट में एक वेरी फनी क्राइटेरिया है, बहुत बहुत फनी है, कि नॉमिनी का जो डिसाइड करने का हक है वो मैनेजिंग कमिटी को दिया है। अगर इन द ओपिनियन ऑफ द मैनेजिंग कमिटी, इफ ही इज द लीगल हायर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, इन द ओपिनियन ऑफ द मैनेजिंग कमिटी इज नॉट ए जुडिशियल अथॉरिटी कि उसका ओपिनियन चलेगा, लेकिन वहां पे एक्ट में फनीली लिखा हुआ है कि इन द ओपिनियन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, तो मैनेजिंग कमेटी उसको नॉमिनी बना सकता है। तो कैसा, कितना डिस्क्रिप्शनरी पावर दे दिया आपने चेयरमैन और सेक्रेटरी को आपकी प्रॉपर्टी के बारे में डिसाइड करने का। देख लीजिएगा सर, वो सेक्शन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मुझे आप, मेरे नंबर दिया हुआ है मेरे को, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। आप संदीप सर को मैसेज कर दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है, देर आर other lawyers also on this webinar right now, you can contact any of them sir. ha wo to theek hai, main just socha ki Sandeep sir, shall we conclude it for today sir? Please. Yes kaafi Sandeep sir, I want to thank you very much for your patience, aapne bahut sabr ke sath mein sare baatein batayi logo ko, which will definitely benefit to everybody and I am grateful for it. So again while thanking you, I will conclude this webinar for today. And thank you all the participants. Okay, thank you sir. Thank you so much sir. Good night. मुझे एक लाइन में खाली ऐड करना चाहूंगा,
यस सर, जो जो क्वेरीज थी उसमें मुझे लगता है मुझसे ज्यादा क्वेरीज के आंसर आपने दिए. This webinar is not about that. That is why we have termed the heading of this webinar. अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा है नॉलेज शेयरिंग, मेरा और आपका नॉलेज शेयरिंग, बाकी का भी नॉलेज शेयरिंग. अभी किसी ने मुझे पूछा कि भाई नॉमिनी का क्या मतलब है, तो उनको भी नॉलेज शेयर हो गया और उनकी तरफ से मुझे ये नॉलेज शेयर हो गया. लोग क्या सोच रहे हैं कि नॉमिनी बना दिया तो मालिक ले ले चलो भाई फ्लैट ले. इस वेबिनार से मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है. मुझे भी फायदा हुआ है सर, मुझे भी आपसे काफी कुछ सीखने को मिला है. हमारे पार्टिसिपेंट हम एक दूसरे को सिखाते ही रहते सर, हम अपने गलतियों से ज्यादा सीखते हैं और कामयाबी से बहुत कम शायद नहीं सीखते. वंडरफुल सेशन सर, थैंक यू वंस अगेन. Thank you everybody, and we will conclude. Thank you everybody once again. Thank you sir. Thank you so much. Bye bye.